क्वेश्चन में रीड आउट करता हूँ, क्वेश्चन तो आप पढ़ पा रहे होंगे वैसे भी, मैं रीड आउट करता हूँ एक बार। थ्री आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू कॉमा एम ईच आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट विद थ्री सेपरेट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल ईच एट इक्विलिब्रियम द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज ऑल्सो इक्वल टू एल फाइंड अ रिलेशन बिटवीन द गिवन पैरामीटर्स। ज्योमेट्री कैसा होगा इसका बताएंगे, ज्योमेट्री कैसा दिखेगा इसका? पिरामिड, पिरामिड की तरह, पिरामिड की तरह, गुड। मतलब बेसिकली टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर की तरह दिखेगा। तो मैं बेस बेस में इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा ना, क्योंकि उसने क्या क्या रखा है कि इक्विलिब्रियम जब आ चुकी है तो सेपरेशन बिटवीन ऑल द चार्जेस इज इक्वल टू एल। मतलब किसी भी दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन आप कैलकुलेट करोगे एल ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही निकला ना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा बेस में, है ना? हाँ सर, राइट। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल एट बेस बननी है, मतलब बेस ऑफ टेट्राहेड्रन लिख लेते हैं, बेस ऑफ टेट्राहेड्रन। तो मैं पहले ही इक्विलैटरल मतलब वो नीचे बेस का ट्रायंगल बना लेता हूं पहले। यहाँ पे कहीं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है आपका, और यहां से हमने तीन स्ट्रिंग्स को लगा रखा है। सबको ज्योमेट्री समझ आ रही है, कैसी है? आई होप आपको ज्योमेट्री समझ आ रही है। सभी को कंफर्म करिए, सिर्फ मुझे अर्घो का आवाज आ रही है, बाकी सबको समझ आ रही है ज्योमेट्री? बाकी सब रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, सिर्फ क्लास कर सकते हैं म्यूट करके, बट बीच बीच में अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं होता उनके पास। आप सोचो एज अ टीचर ये जॉब कितना डिफिकल्ट है हमारे लिए, जहाँ पे हमें सब कुछ यू नो, खुद से समझना है कि आप समझ रहे हो, बिना आपके रिस्पॉन्ड किए, बिना आपको देखे, सब कुछ ये समझ लेना है मुझे। चलो एनीवेज, हम अपना कैलकुलेशन करते हैं अभी। फिलहाल के लिए जो दे रखा है उसने वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी सारा एल दे रखा है, और बेस में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है वो भी आपकी एल लेंथ की है, ये सारा लेंथ एल का ही है। तो सबसे पहला ये काम है आपके लिए कि स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ कितना एंगल है पहले वो फाइंड आउट करना है। बताओ कैसे निकाले वो, स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ कितना एंगल फॉर्म हो रहा है वो निकालना है। कैसे निकाले वो सर? नीचे का मतलब टेन थीटा लेके या साइन थीटा लेके निकाल सकते हैं? साइन थीटा लेके निकाल सकते हैं, टेन थीटा लेके तो नहीं, साइन थीटा लेके निकाल सकते हैं। यहाँ से ये वाले एंगल निकालनी है हमें थीटा, तो ये थीटा निकालने के लिए हम लोग पहले सेंट्रॉइड से, ये जी देखो सेंट्रॉइड मार्क कर रहे हैं, तो एक साइड से अगर इसको मार्क किया जाए, ये वाली लेंथ को मार्क किया जाए अगर, तो ये लेंथ कितना होगा, टू थर्ड ऑफ हाइट ऑफ ट्रायंगल होगा ना, होगा। एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल कितनी है, एल कॉस 30 मतलब रूट थ्री एल बाई टू, सो दिस बिकम्स एल बाई रूट थ्री है। तो एंगल थीटा देखो, अगर साइन थीटा आप यूज करोगे उस ट्रायंगल में, तो साइन थीटा की वैल्यू इज एल बाई रूट थ्री डिवाइडेड बाई एल विच इज बेसिकली 1 बाई रूट थ्री। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 बाई रूट थ्री आपको इस ट्रायंगल में दिख रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो बेस के दो चार्जेस किसी भी तीसरे चार्ज के ऊपर लगाएंगे, पहले वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उस फोर्स को कैलकुलेट करें एक बारी। तो वो फोर्स अगर आप कैलकुलेट करते हो देखो, तो इधर से एक फोर्स मिलना है आपको एंड एक फोर्स आपका इधर से मिलेगा, बेस से ही मिलना है। ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन के फोर्सेस दिखा रखे हैं, ठीक है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल प्लेन के फोर्सेस हैं। तो ये फोर्स अगर एफ है तो ये फोर्स भी एफ होगा, और इन दोनों के बीच की एंगल 60 इधर है तो इधर भी 60 होगी, है ना? राइट, सही है? यस सर। दो फोर्सेस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो रिजल्टेंट उनका बाइसेक्टर पे होगा, होगा होगा सर। तो इधर से जो फोर्स आनी है वो कितनी आनी है, 2f into cos 30 मतलब रूट 3f हो गया ना, समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, अब इस चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम अब हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? इस चार्ज का, जो चार्ज के ऊपर मैंने फोर्सेस दिखा रखे हैं, उस चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसको चार्ज ए लिख लेते हैं, सो फॉर चार्ज ए लिख रहे हैं, फॉर चार्ज ए फोर्सेस अब दिखाएंगे इसमें। तो यहाँ पे ये चार्ज है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो एक है रूट थ्री एफ लग रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक इसकी खुद की वेट एम जी लग रही है, और एक टेंशन लग रही है obviously, और ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, और ये वही थीटा है जो हमने वर्टिकल के साथ एंगल फाइंड किया। देखो ये वाली एंगल थीटा इधर भी सेम ही है। आई होप आपको समझ आ रही है, समझ आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है,
किसी भी दो तीन फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट जीरो है तो इसका मतलब दो का रिजल्टेंट तीसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट, वो कांसेप्ट आपको पहले ही पता है, तो इसको यूज करो जल्दी से। ये एंगल थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है यहां से, व्हाट इज tan थीटा भैया? √3f/mg √3f/mg। tan थीटा तो आप निकाल सकते हो, sin थीटा की वैल्यू आपको पता है 1/√3 है, तो tan थीटा निकाल सकते हैं ना। tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, आपको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पता है, तो परपेंडिकुलर बेस इज 1 डिवाइडेड बाय, अब बेस चाहिए तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 3 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर व्हिच इज 1, समझ आ रही है आपको? हाँ सर, हाँ ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ एफ बाई एम जी, और एफ कितना है, दो दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है, सो दैट बिकम्स के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एम जी कर लेंगे, सो यहाँ से अब आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो देयरफॉर के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से लिख लेते हैं, रूट सिक्स टाइम्स ऑफ के स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू एल स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर। उसने रिलेशन बिटवीन द गिवन पैरामीटर्स पूछा था, हमने रिलेशन निकाल लिया। आई होप सबको समझ आई है। यस सर, हां सर। ये बस ज्योमेट्री का ही खेल था, इसमें मेन ज्योमेट्री था, बाकी इस तरह के क्वेश्चंस तो आपने किए हैं, बट यू नो टेट्राहेड्रन का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ये आपने नहीं किया था, तो ये जस्ट ज्योमेट्री हैंडल करने के लिए मैंने आपको दिखाया है यहां पे। चलिए आगे बढ़े। हां सर, चलो अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेंगे, आई विल टेक अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ यू, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, अगेन मोर ऑफ ज्योमेट्री बेस्ड है, क्योंकि फॉर्मूला वॉर्मूला जान के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आती है तो। इफ अ शॉर्ट डाइपोल पी आई कैप एंड अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट 0, y एंड एट ओरिजिन रिस्पेक्टिवली, मतलब एक डाइपोल है जो 0, y है एंड पॉइंट चार्ज है जो ओरिजिन पे प्लेस्ड है, क्रिएट नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x, x+y। Here x and y both are positive. The coordinate y equals to. Okay, so basically y in terms of x आपको निकालनी है। तो पहले मैं coordinate axis को mark करता हूँ। ये हमारी coordinate axis है। Origin पे एक point charge है। तो यहाँ पे एक point charge रख लेते हैं। And एक dipole है जो 0, y पे रखा है हमने। तो यहाँ पे एक dipole दिखा देते हैं। This is a dipole and इसका direction i cap की तरफ है। तो इसको p इस तरह mark कर रहे हैं। देखो मैंने डायरेक्शन सही मार्क किया है क्या? डायरेक्शन सही मार्क किया है? हाँ सर, हाँ हाँ। एंड आप ये नोटिस करो, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस y, दिस डिस्टेंस इज y हो गया। आप लोगों को कहीं पे भी ज्योमेट्री में कुछ नहीं समझ आए तो तुरंत पूछ लेना, ठीक है? मैं सब अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ आएगा सब चीजें, ये बेसिक चीजें आपको समझ आनी चाहिए। तो ये y दिया हुआ है, उसके बाद उसने एक कह रखा है, एक पर्टिकुलर लोकेशन कह रखा है x, x+y। तो मान लेते हैं इधर से एक डिस्टेंस चूज कर लेते हैं हम लोग, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, तो इसके ऊपर वर्टिकल खींच ले लाइन एक, यहां पे एक पॉइंट चूज कर सकते हैं, दिस विल बी x, x+y, ठीक है? सही है, सिलेक्शन ऑफ पॉइंट समझ आ रही है आपको? Yes, sir. ठीक है, अब वो कह रहे हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जीरो है। ओके, हम ही काम करते हैं, यहाँ से पहले इस डाइपोल को कनेक्ट करते हैं, डाइपोल को उस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अब देखो कि क्या आपको ये वाली एंगल पता है, डू यू नो दिस एंगल, क्या आपको ये एंगल पता है? हाँ सर पता है, 45 डिग्री लग रहा है, 45 डिग्री आ रहा है, सही है। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो ऑब्वियसली ये भी एक्स हो जाएगा, लेंथ एक्स होगा, सॉरी ये तो एक्स है, तो ये देखो ये एंगल अगर थीटा मार्क करें तो थीटा होगा, ये क्लियरली इज 45 डिग्री, समझ आ रही है? यस सर, हां सर, ठीक है। ओके, तो इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका आपको याद है, हमें डाइपोल को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है, एक होगा पी कॉस थीटा, तो ये पी बाय रूट टू आ जाएगा, एंड एक पी साइन थीटा, ये भी आपका पी बाय रूट टू आ जाएगा। और दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मार्क करना तो आता ही है, तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार मार्क करते हैं, लेट अस मार्क द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सियल वाले के लिए ई पैरेलल मार्क कर रहे हैं, देखो पहले दिस इज ई पैरेलल, एंड इक्विटोरियल वाले के लिए ई परपेंडिकुलर, दिस इज ई परपेंडिकुलर। देखो तो मार्किंग सब सही है, मार्किंग सब सही है? हाँ सर,
ठीक है। अब ये जो पॉइंट चार्ज है, देखो ये जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज को वहां से कनेक्ट करते हैं इस बार। लेट अस से हमने उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। ये देखो ये लाइन को खींचा, पॉइंट चार्ज का फील्ड तो इसी लाइन के अलोंग होगा ना, होगा जो मैंने अभी एक लाइन खींचा है, पॉइंट चार्ज का फील्ड उसी लाइन के लिए अलोंग होगा। तो क्या ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये 100% है कि पॉइंट चार्ज का जो फील्ड होगा ये यू नो जो रेडियली इनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का जो नेट फील्ड होगा, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का जो नेट फील्ड होगा वो नेट फील्ड बेसिकली पॉइंट चार्ज के फील्ड के ऑपोजिट होना चाहिए। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है आपको? रिस्पॉन्ड तो कर, ठीक है। सो पॉइंट चार्ज की फील्ड, अगर ये पॉइंट चार्ज की फील्ड अगर इधर हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की, इसको मैं माइनस क्यू लिख देता हूँ, ठीक है, जस्ट टू इंडिकेट कि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये नेगेटिव होगा ही, ये मैंने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी पॉइंट चार्ज क्यू की, ठीक है ना, और जो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो इसके इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। समझ आ रही है आपको? हाँ सर, होगा। हाँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका डायपोल के लिए, इसको डी लिख लेते हैं, जस्ट इंडिकेट कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का है। ईडी लिखा है कि सबस्क्रिप्ट में डी लिखा है, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा गंदा दिख रहा है। दिस विल बी ईडी टू डायपोल। आई होप आपको समझ आई है। यस सर। हां सर। ओके, ये देखो ये वाली एंगल अगर मान लेते हैं कुछ भी, इसको यू नो एक कुछ भी एक फाई मान लेते हैं, लेट्स से दिस एंगल इज फाई। तो देखो तो इधर से ये वाली एंगल भी आपकी फाई होगी ना? होगी सर। हाँ ठीक है, समझ आ रही सभी को? हाँ सर। ये वाली एंगल को अगर अल्फा माने, आपको याद है टैन अल्फा हाफ ऑफ टैन थीटा होता था, याद है? याद है? ये तो डाइपोल का रिजल्ट है। डाइपोल का रिजल्ट है, याद है आपको? ठीक है, ये तो रिजल्ट ऑफ डाइपोल है ना, ये आप डिराइव करेंगे तो फिर वही आएगा, हमें तो यूज करना है ना इन सब रिजल्ट्स को। और थीटा तो 45 डिग्री हमने निकाल रखा है, तो ये हाफ ऑफ 45 डिग्री लिख लें, हाफ ऑफ 1 लिख लें, तो ये हाफ ऑफ tan 45 मतलब 1, ये बेसिकली आपको tan अल्फा की वैल्यू मिल गई है, दिस विल बी हाफ आ रही है, ठीक है। सो tan अल्फा बेसिकली हाफ है, ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। अब tan अल्फा पता चल चुका है आपको और tan 45 भी पता है, और आपको ये पता है कि phi की वैल्यू इज अल्फा प्लस थीटा, राइट? मतलब कि अल्फा प्लस 45 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं सर। अब देखो जल्दी में सीधे से tan phi अगर यूज करें, tan phi दैट विल बी tan ऑफ अल्फा प्लस 45। अब यहाँ पे सिंपल ज्योमेट्री यूज करना है, tan phi की वैल्यू ज्योमेट्री से लिखो, देखो कितना है y plus x divided by x, है या नहीं है? है सर। हाँ। और tan alpha plus 45 को क्या ले सकते हैं? tan alpha plus tan 45 divided by 1 minus of tan alpha tan 45, यही होता है ना? हाँ सर। tan alpha को half substitute करें, plus tan 45 को 1 substitute करें, और यहाँ पे 1 minus of half into 1 substitute करें, तो exactly 3 आ रही है ना, देखो तो 3 by 2 by half आ रहा है ना? हाँ सर, 3। ठीक है, so y plus x की वैल्यू आ गई है 3x, so y की वैल्यू कितनी हो गई है? 2x हो गई, so 2x आपका आंसर हो जाएगा इसमें, y is 2x। देखो समझ आई या नहीं? मोर ऑफ ज्योमेट्री बेस्ड है, आप JE में हमेशा ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको मोर ऑफ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आए, क्योंकि उनको ज्योमेट्री काफी पसंद है, वो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन हमेशा दे सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा तो भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे अगर आप ज्योमेट्री अच्छे से नहीं समझते हैं। इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपको बेसिकली आपको फील्ड ड्यू टू डाइपोल पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, आपको ये समझ आना चाहिए कि हाँ यू नो किसी पॉइंट पे अगर नेट फील्ड जीरो कर रहे हैं तो नेट फील्ड जीरो होने का मतलब है कि किसी जो भी सिस्टम ऑफ चार्जेस है उसमें से कोई एक सिस्टम अगर किसी एक डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट कर रहा है तो दूसरे को उसके इक्वल एंड ऑपोजिट फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा, बस वही चीज समझ में आपको। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े बेटा। एक बार समझा देंगे वो नेगेटिव आया कैसे समझेंगे? चार्ज का वैल्यू नेगेटिव आप बोल रहे हैं? हाँ सर। आप
ये बताओ मुझे कि नेट फील्ड जीरो करने के लिए डायपोल का फील्ड जिस तरफ क्रिएट हो रहा है, पॉइंट चार्ज के फील्ड को तो उसके ऑपोजिट क्रिएट करना पड़ेगा ना. हाँ सर. तो डायपोल का फील्ड तो यू नो देखो डायपोल का फील्ड जो क्रिएट हो रहा है, नोटिस करो किस तरफ हो रहा है, इस लाइन पे क्रिएट हो रहा है. देखो इस लाइन पे पॉजिटिव है ना, इस तरफ क्रिएट हो रही है तो ऑलरेडी क्लियर है. तो जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की फील्ड को तो आपको इधर क्रिएट करना पड़ेगा ना. अभी तो समझ आ रही है. और अगर पॉइंट चार्ज का फील्ड आप इनवर्ड दिखा रहे हो तो नेगेटिव चार्ज नहीं है क्या वो? बोलो, पॉइंट चार्ज का फील्ड अगर रेडियली इनवर्ट दिखा रहे हो तो वो नेगेटिव चार्ज नहीं है क्या? हाँ सर. ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं. ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको तो शिफ्ट कर देते हैं. सर रुकिए, जैसे two mutually perpendicular infinitely long straight conductors uniformly distributed charge of linear densities lambda 1 and lambda 2 are positioned at a distance r from each other. ये दोनों mutually perpendicular wires हैं. डायग्राम में वैसे थोड़ा अच्छे से बनाया नहीं उन्होंने, बट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. अब अगर मैं इसका सपोज इसका टॉप व्यू अगर ड्रॉ करता, अगर मान लो कि आप इधर से देख रहे हो उसको, ये क्यों ड्रॉ कर रहे हैं आपको तुरंत समझ आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से आप समझोगे नहीं डायग्राम को. अगर टॉप व्यू ड्रॉ करोगे तो एक रॉड आपको पॉइंट की तरह दिखेगा. हाँ सर दिखेगा. कौन सा? जिसको वर्टिकल बना रखा है यहाँ पे, है ना? यस सर. राइट. तो टॉप व्यू में एक बार ड्रॉ करो, अब देखो उसी को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करो. टॉप व्यू में मुझे ये दिखेगा कि यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, एंड दिस हैज अ डेंसिटी ऑफ प्लस लैम्डा 1 मान लेते हैं, और इसके सामने में यहाँ पे एक और मोटा सा रॉड बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसा. दिस इज अनदर रॉड ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा 2. डू यू गेट दिस? यस सर. देखो डायग्राम आपको समझ आ रही है नहीं, और इन दोनों के बीच की ये वाली डिस्टेंस आपको r दी हुई है, और आपको फोर्स बिटवीन दीज टू रॉड्स आपको r के फंक्शन में कैलकुलेट करना है कि r के साथ कैसा रिलेटेड होगा ये फोर्स. ठीक है, तो ये वाली व्यू में अब आप आराम से निकाल सकते हो. कैसे? सोचो, क्योंकि ये जो रॉड है, इस रॉड से जो फील्ड लाइंस निकलेंगे, क्या वो फील्ड लाइंस रॉड के लिए जो निकलेंगे, क्या वो ऐसे फील्ड लाइंस होंगे क्या? देखो तो रेडियली आउटवर्ड होंगे. हाँ सर. और इस सिमेट्री को देख के आप ये एक चीज श्योर होके कह सकते हैं कि अगर मैं सपोजिटली यहाँ पे इमेजिन करो एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज चूज करता हूँ, छोटा सा एलिमेंटल चार्ज जो कि इमेजिन करो यहाँ से यहाँ के बीच में, ये मान लो थीटा, एंड इधर से डी थीटा का स्ट्रिप चूज किया गया. सेम तरीके से इधर में भी चूज कर लेते हैं, इधर से थीटा पे एंड इधर से डी थीटा का स्ट्रिप. तो यहाँ पे देखो एक एलिमेंटल चार्ज बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक एलिमेंटल चार्ज बन रही है, दिख रही है आपको? हाँ सर. डू यू सी दैट? ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस होंगे वो तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे, होंगे ना? हाँ सर होंगे. ठीक है, तो इधर पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर ई मानता हूँ, तो यहाँ पे जब हम फोर्स दिखाएं तो ये फोर्स को हम अगर डी एफ लिख रहे हैं, डी एफ, तो ये डी एफ को हम लिख सकते हैं ना डी क्यू ऑन द सेकेंड रॉड मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट रॉड, लिख सकते हैं इसको, राइट? हाँ सर लिख सकते हैं. सेम तरीके से इसके लिए भी, सेम तरीके से इसके लिए भी लिखेंगे, इधर से. सो दिस विल अगेन बी डी एफ, एंड दिस डी एफ विल बी डी क्यू ऑन सेकेंड रॉड मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट रॉड. इन दोनों फोर्स का देखो वेक्टर सम किधर आएगा? Towards right, sir, horizontal, हाँ. Towards right, है? Towards right आएगा. तो इसलिए net force निकालोगे तो obviously towards right ही आएगा, बस उसी को integrate करना है. तो अगर मुझे F net calculate करनी है, force on two due to one calculate करनी है, तो integration of twice of DF into cos theta, लिख सकते हैं? लिख सकते हाँ, हैं? सर, हाँ. अब values को substitute करें, so this is integration of twice of DQ2, DQ2 को हम लिख सकते हैं, जैसे इधर से ये वाले distance, ये वाले डिस्टेंस को अगर आप लोगे, इसको अगर आप y चूज कर रहे हो, तो ये वाली थिकनेस आपकी dy होगी. तो dy के टर्म्स में लिखूंगा इसको,
तो लैम्डा टू इज द चार्ज डेंसिटी इन टू डी वाई, ये हो गया डी क्यू मल्टीप्लाइड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग फाइनाइट इनफाइनाइट रॉड याद है आपको कितना है, 2k लैम्डा बाय आर याद है आपको? हाँ सर 2k लैम्डा बाय आर. आपको इधर का ये वाला रेडियल डिस्टेंस लेना पड़ेगा जो ग्रीन लाइन है, तो वो डिस्टेंस कितना है? दिस इज आर आर सेक थीटा, कह सकते हैं आर सेक थीटा है ना, ठीक है. तो वो यूज करेंगे, सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, सो दैट विल बी 2k into लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय आर सेक थीटा. ये हमने लिख लिया है df की वैल्यू. अब इसके साथ हमें cos थीटा को मल्टीप्लाई करना है. देखो सही है क्या? सही है ठीक है. अब y और थीटा दोनों वेरिएबल है, तो y को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा या थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसी एक को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा. ये y को यहां से देखो आप लिख सकते हो, दिस इज r tan थीटा एंड देयरफॉर dy की वैल्यू कैन बी रिटन एज r तो फिक्स्ड है, सो r into sec square theta into d theta. ये सब हमने लास्ट क्लास में किया था याद है, ये एलिमेंट का डिफरेंशियल लेना ये सिखाया था आपको. तो बस dy की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो दिस बिकम्स इक्वल टू दिस इज 4k into lambda 1 lambda 2 डिवाइडेड बाय r. ये कांस्टेंट की तरह बाहर आ गए एंड यहां पे बच रहा है इंटीग्रेशन में ये हो गया cos square theta एंड यहां पे dy बसे गए. dy का वैल्यू कितना निकाला हमने, r sec square theta into d theta. देखो तो यही है क्या, सही है? cos square theta sec square theta गया, ये r वैसे भी कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल के इसके साथ कैंसिल कर लेंगे. थीटा का लिमिट कहां से कहां डालना है, थीटा का लिमिट कहां से कहां डालना है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू. गलत, यहाँ पे टू टाइम्स ऑलरेडी कर दिया ना मैंने, टू टाइम्स. हाँ, टू टाइम्स. तो इसका मतलब दोनों एलिमेंट, तो लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, जीरो से लेके पाई बाई टू लेंगे. समझ रही है? आप माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू कब लेते, जब आप इंटीग्रेशन डी एफ कॉस थीटा लिखते हैं. आप टू डी एफ कॉस थीटा लिख रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों एलिमेंट को तो आपने एक साथ कवर कर लिया ना. हाँ कर लिया. तो इसे लिमिट आपका जो होगा वो जीरो से लेके पाई बाई टू होगा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू नहीं होगा. ठीक है, लिमिट्स का थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि आंसर वैसे भी होंगे. तो ये जीरो से लेके पाई बाई टू आपने लिमिट डाल दिया. ठीक है, अब ये हो गया देखो. सो दिस बिकम्स 4k, 4k into lambda 1 lambda 2 एंड इंटीग्रेशन डी थीटा, तो सिंपली थीटा हो जाएगा एंड यहाँ पे पाई बाई टू आ जाएगा. क्या ये रिजल्ट आर पे डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होगा. समझ आइए सभी को? तो आर का हाँ सर ठीक है. तो इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत नहीं है. बस इतना याद रखो कि दो लॉन्ग, मतलब इनफाइनेटली लॉन्ग की बात कर रहे हैं, दो लॉन्ग चार्ज रॉड्स को अगर एक सर्टन डिस्टेंस पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं आप, तो उन दोनों के बीच में फोर्स जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है. जैसे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना कि अगर मैंने सेपरेशन डबल कर दिया, बताओ कितना गुना फोर्स हो गया, पहले फोर्स एफ था बाद में कितना हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा. Do you understand this? Yes, sir. Yes. ठीक है. So we'll take up the next question. ये भी screen freeze हो गया शायद, एक मिनट. Just a second. Screen freeze हो गया. ठीक है. चलो हाँ बोलो बेटा. बोलो मुझे अच्छा क्या जे आगे मैंने इनफाइनिटली लॉन्ग रॉड होले तो मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही है, पैरेलल कंपोनेंट तो है ना, तो स्लैंटिंग फील्ड नहीं लगा ना हमरा. अब आप बोलो, मैं बुझते पालूँ ना, क्यों बोल चीज इनफाइनिटली लॉन्ग रॉड होले सिर्फ तो परपेंडिकुलर फील्ड लाइन स्लैंटिंग का नहीं लगा ना पैरेलल तो स्लैंटिंग है ना कोथा स्लैंटिंग तो नहीं लगा मैं लाइन गुलो ফিল্ড লাইন তো সবগুলো পারপেন্ডিকুলার টু লাইন রড আছে এই যে ল্যামডা 1 এর ফিল্ড ল্যামডা 1 এর ফিল্ড লাইনই তো আমি ড্র করছি তাহলে ল্যামডা 1 যে রড আছে ওই রড থেকে পারপেন্ডিকুলার নয় এই ফিল্ড লাইনগুলো ঠিক আছে হ্যাঁ চলে এই কোশ্চেনটা ট্রাই করিয়ে দেখো এই সিমিলার কোশ্চেন है एकदम सिमिलर पिछला वाला जो क्वेश्चन हमने किया है उसी के जैसा ही है आप खुद से ट्राई करो फिर आपसे नहीं बनेगा फिर मैं बनाऊंगा जिसका बन जाए दिखाना फिर 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं खुद से करो
ड्रॉ इट्स टॉप व्यू, टॉप व्यू ड्रॉ करके फिर से बनाओ. ट्राई कर रहे हैं आप सभी? हाँ सर, बस हो ही गया. अटेम्प्ट भेजना था क्या? हाँ हाँ भेजो, मैं बिल्कुल देखेंगे. बस ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, यही करना. बस एलिमेंट ही बस डिफरेंट हुआ है उसमें. स्ट्रेट लाइन चार्ज पे आपको एलिमेंट चूज करना था और यहाँ पे आपको सर्कुलर आर्क पे चूज करना, और कोई डिफरेंस नहीं है. एक बार आपने मेथड सीख लिया तो आपको करना ही चाहिए था. तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, रेडियली आउटवर्ड दिखाना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उस रेडियली आउटवर्ड फील्ड पे आपको फोर्स जो मिलेगा दैट विल बी डी एफ, एंड दैट विल बी चार्ज डी क्यू जो होगा इसमें, एंड दैट मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रॉड. ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रॉड लेना है. सेम तरीके से आप नीचे वाले एलिमेंट पे भी दिखाएंगे. आप यहाँ पे सिमेट्रिकल चूज किया हमने, तो यहाँ पे भी आपको डी एफ मिलेगा, एंड दैट विल अगेन बी डी क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रॉड मिलेगा. एंड इन दोनों का रिजल्टेंट क्लियरली आपको दिख रहा है, आपको हॉरिजॉन्टल मतलब राइट साइड की तरफ दिखेगा. सो एफ नेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ डी एफ इंटू कॉस थीटा. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो ट्वाइस ऑफ डी एफ इज चार्ज डी क्यू. डी क्यू की वैल्यू आप डायरेक्टली चार्ज पर यूनिट एंगल इंटू एंगल कर सकते हैं. जो ये जो चार्ज क्यू दे रखा है उसने, वो क्यू सेमी सर्कुलर आर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो सेमी सर्कुलर आर्क का एंगल कितना है? एंगल है बेसिकली आपका पाई. तो क्यू बाई पाई एंड इंटू डी थीटा, ये करके आप वहां पे चार्ज डी क्यू निकाल दिया आपने. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लेना है? रॉड का. तो एल बी टू के लैमडा इंटू टू के लैमडा डिवाइड बाई आर. आर तो एक फिक्स डिस्टेंस है, एंड फिर इसके साथ आप कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, और थीटा की लिमिट को आपको अगेन जीरो से लेके पाई बाय टू सब्स्टिट्यूट कर लेना है. सो दिस बिकम्स फोर के इंटू लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर एंड इंटू कॉस थीटा डी थीटा, एंड इसके लिमिट आप जीरो से लेके पाई बाय टू डाल देंगे. सो ये वैल्यू हो जाएगी 4k इंटू लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर, एंड यहाँ पे साइन थीटा, एंड लिमिट आपके जीरो से लेके पाई बाय टू. ये तो क्लियरली आपका वन हो जाएगा. सो दैट बिकम्स 4k लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर हो जाएगा. क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर. बाकी सबको समझ आ रही है? यस सर. ठीक है सर. हाँ बेटा बोलिए. सर ये q by pi into d theta कैसे किया वो एक बार बता देंगे फिर से? चार्ज जो है वो q कितने एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है? चार्ज q जो है वो कितने एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है? पाई में. तो फिर d theta में कितना एंगल आएगा? d theta में कितना चार्ज होगा?
यूनिटरी मेथड है ना. ओके सर ओके. चार्ज पर यूनिट लेंथ जैसे डिफाइन करते हैं वैसे चार्ज पर यूनिट एंगल इनटू एंगल कर लिया. ठीक है ओके सर ओके ठीक है ठीक है. देखो ये क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल शेल इज ई नॉट. हेमिस्फेरिकल शेल की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसने ई नॉट दे रखा है. ठीक है हेमिस्फेरिकल शेल की वजह से. क्वेश्चन का लैंग्वेज हमेशा ध्यान से दिया करो. जबकि डायग्राम उसने क्या बनाया हेमिस्फीयर का बनाया क्या पूरा डायग्राम में क्या पूरा हेमिस्फीयर दिखा रखा है एक छोटा सा पार्ट है. ठीक है तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान से पढ़ा करो कि क्या उसने दे रखा है. नाउ टू पोर्शंस ऑफ हेमिस्फीयर आर कट फ्रॉम ईदर साइड एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज शोन इन द फिगर. इफ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन विल बी. ओके ये सिचुएशन ऐसा करते हैं मैं इसको थोड़ा सा टू डायमेंशन में ड्रॉ करके दिखाता हूँ जो बेसिकली आपका फ्रंट व्यू होगा. फ्रंट व्यू में आपको हेमिस्फीयर ऐसा ही कुछ दिखेगा ना. दिखेगा नहीं. हाँ. उसने जो प्लेन काटा है बेसिकली वो ऐसा कुछ काटा है. एक इधर से काटा है और एक इधर से काटा है. आपको समझ आ रही है. ये एंगल आपका 60 डिग्री है. ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी देखो 60 डिग्री है. समझ आ रही है. ठीक है अच्छा सोचो ये उसने जो दे रखा है पोर्शन वो तो सिर्फ इतना दूर है ना. देखो ये रेड कलर से मैं शेड करके दिखा रहा हूं. जितने पोर्शन में है चार्ज वो तो सिर्फ इतना पोर्शन है ना जो क्वेश्चन का है पोर्शन. समझ आ रही है आपको. वो तो सिर्फ ये पोर्शन है ना. ठीक है बट हमें जो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया वो तो सारा का मिला के दिया था ना. तो अगर मैं इसको तीन पार्ट को अगर मानता हूं दिस इज पार्ट वन दिस इज पार्ट टू दिस इज पार्ट थ्री. क्या हम सिमेट्री देख के ये कह सकते हैं कि तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन सेंटर पे सेम होगा मैग्नीट्यूड में. होगा मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा. और सिमेट्री देख के हम ये भी कह सकते हैं कि एक पार्ट का जो फील्ड होगा वो उसके बाइसेक्टर पे होगा. कह सकते हैं होगा. हाँ. तो अगर मैं इसका बाइसेक्टर खींचू यहाँ से इसका बाइसेक्टर तीनों का बाइसेक्टर खींचेंगे देखो आप. फिर इसका बाइसेक्टर खींचे और इसका बाइसेक्टर खींचे तो इन तीनों की जो फील्ड होगी वो इन तीनों बाइसेक्टर लाइंस पे ही होगी ये श्योर है. अब इनके रेस्पेक्टिव फील्ड को अगर लिखा जाए तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो मिलेगा वो मुझे इस तरफ मिलेगा. ये देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E1. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो मिलेगा वो मुझे इस तरफ मिलेगा दिस विल बी E2. और इलेक्ट्रिक फील्ड E3 जो मिलेगा वो मिलेगा इस तरफ E3. डू गेट दिस. Yes, sir. समझ आ रही है. सबका बाइसेक्टर्स लिया है मैंने. ये 10 से 30 है ये 10 से 30 है और ये भी 10 से 30 है. समझ आ रही है. Yes, sir. ठीक है. सिमेट्री देख के E1, E2, E3 ये तो सबका वैल्यू सेम मान सकते हैं हम. इसकी वैल्यू E तो इसकी वैल्यू भी E तो इसकी वैल्यू भी. अब ये एंगल देखो इधर से कितनी है. हाउ मच इज दिस एंगल. इज दिस एंगल 60 डिग्री. ओके 60 यस 60 है ना. इधर से भी देखो ये एंगल भी 60 होगा. तो E1 और E3 का रिजल्टेंट क्या होगा. E ही आएगा ना. E1 और E3 का रिजल्टेंट E आएगा क्योंकि दोनों का देखो मैग्नीट्यूड सेम है. दे गेट दैट. यस सर. तो इसका मतलब रिजल्टेंट इन तीनों का रिजल्टेंट फील्ड जो आएगा वो किस तरफ आएगा. नीचे की तरफ आएगा. समझ आ रही है. हाँ सर. और ये कितनी आएगी. दिस विल बी E2 plus magnitude of E1 plus E3. समझ आ रही है. And that will be, ये तो E है ही and ये भी E आ जाएगा. तो कितना जाएगा 2E हो जाएगा. और 2E का value उसने कितना दे रखा है. 2E का value उसने कितना दे रखा है. E0 दे रखा है. ये electric field E0 है. So इसको E0 से equate कर दो. So therefore electric field जो एक half एक part का है वो कितना आया. E0 by 2 आया. समझ आई.
okay. ये क्वेश्चन देखो. टू स्मॉल बॉल्स हैविंग द सेम मास एंड चार्ज आर लोकेटेड ऑन द सेम वर्टिकल लाइन एट हाइट एच वन एंड एच टू आर थ्रोन इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एट सेम वेलोसिटी वी. तो कुछ ऐसा सिनेरियो है, यहाँ पे एक चार्ज है, चार्जेस आपको कितने दे रखे उन्होंने, सेम मास सेम चार्ज है, ठीक है. तो मान लेते हैं ये चार्ज आपका Q एंड मास M, ये हाइट H1 पे लोकेटेड है, दिस इज एट अ हाइट H1, ये ग्राउंड लेवल मार्क कर लेते हैं. एंड यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है, इसकी भी चार्ज Q मास M है और इसकी हाइट यहाँ से H2 दे रखी है, दिस इज एट अ हाइट H2, एंड दोनों को हॉरिजॉन्टली हमने प्रोजेक्ट किया विद सेम वेलोसिटी v, ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं वो, द फर्स्ट बॉल टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम इनिशियल वर्टिकल. ओके, द फर्स्ट बॉल टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम इनिशियल वर्टिकल. तो इसका पाथ तो मतलब एग्जैक्टली पैराबोला नहीं होगा, बट अगर देखोगे आप तो क्यों पैराबोला नहीं होगा वो बता रहा हूँ, क्योंकि पैराबोला तब होता जब वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करता, बट यहाँ पे तो दोनों चार्जेस के आपस का भी तो इंटरेक्शन होगा, होगा नहीं होगा, आपस का भी इंटरेक्शन होगा तो पाथ तो अफेक्टेड हो जाएगा ना, समझ आ रही है. वेरिएबल फोर्स तो लगेगा क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन तो चेंज हो रही है, तो दोनों चार्जेस के आपस के इंटरेक्शन की वजह से कुछ एक डिफरेंट यू नो पाथ में फॉलो करेगा, तो एक्सपेक्टेड पाथ में तो नहीं गिरेगा. एक्सपेक्टेड पाथ में नहीं गिरा तो कुछ एक मान लेते हैं कि ऐसा सिचुएशन में आया कि ये ऐसे पाथ में कुछ एक जाके गिरा, ठीक है, इट लैंड समवेयर अराउंड हियर, लेट अस से यहाँ पे लैंड कर गया. एंड ये वाली जो डिस्टेंस उसने दे रखी है कहाँ गया, द फर्स्ट बॉल टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम इनिशियल वर्टिकल, इनिशियल वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस आपका एल दे रखा है, ठीक है. और उसके बाद क्या पूछा, एट व्हाट हाइट h2, एट व्हाट हाइट h2 विल द सेकंड बॉल बी एट दिस इंस्टेंट. सेकंड बॉल का हाइट आपको फाइंड आउट करना है इस इंस्टेंट पे जब वो फर्स्ट बॉल लैंड कर चुका है. इसका मतलब सेकंड बॉल अभी तक वो लैंड नहीं किया होगा, ठीक है, एयर ड्रैग को नेगलेक्ट करना ऑब्वियसली. अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप कन्वेंशनल तरीके से नहीं करते, कन्वेंशनल तरीका मतलब इन दोनों के बीच का फोर्सेस को आप एनालाइज करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है. एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप इन दोनों चार्जेस को अगर कनेक्ट भी करते हैं, लेट्स कनेक्ट दीज टू चार्जेस, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं. जैसे हमने क्या किया, इन दोनों चार्जेस को मान लेते कनेक्ट कर दिया है. सर ये डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वो दोनों गिरते नीचे. हाँ हाँ हाँ, मतलब उन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज होता रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, तो कोई यू नो अच्छा कुछ पाथ आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे कि कैसा पाथ होगा, बट कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड सा पाथ में ही गिरेगा, ठीक है. यहाँ पे मैं देखो अभी इन दोनों के बीच की जो फोर्सेस होगी वो कुछ ऐसी आएगी, ये फोर्स इधर लग रहा होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखा रहे हैं, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर भी तो लगना है. सर एक बात पूछू. हाँ हाँ बोलो ना. सर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था ना दोनों एक ही वर्टिकल लाइन पे है स्टार्टिंग में. ऑन सेम वर्टिकल, अच्छा 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 हाँ ये भी है. मैंने इग्नोर कर दिया उसको, ये गड़बड़ हो गया बेटा, एक मिनट में चेंज कर दूंगा उसको. So this was H1, and ये चार्ज का लोकेशन है, एंड यहाँ पे दूसरा चार्ज है, this charge Q mass M, and इसकी हाइट मान लेते हैं H2. And ये हमारा पहला वाला चार्ज जो है वो इधर आके लैंड कर चुका है, ठीक.
अब देखो इन दोनों के बीच की जो फोर्सेस अगर आप देखोगे तो ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू मान लेते हैं एंड इधर से फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन मान लेते हैं। अगर आप देखोगे तो वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एफ टू वन और एफ वन टू वो कितना है, जीरो है या नहीं? जीरो, यस सर। राइट, ये किसी भी लोकेशन पे होते तो भी आप ये बात कह सकते थे, ये जरूरी नहीं है सेम वर्टिकल लाइन पे हो, किसी भी जगह पे भी होते तो भी आप ये बात कह सकते थे ना, है नहीं? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर्स है, राइट? हाँ सर। इसका मतलब अगर मैं नेट फोर्स सिस्टम पे निकालता नेट फोर्स तो वो कितना आता, 2mg आता है नहीं आता, है ना? एफ नेट, ये ऑन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ऑन कंबाइंड मास सिस्टम, कंबाइंड मास सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब कंबाइंड मास सिस्टम के लिए अगर ये नेट फोर्स है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम जो अगर निकालोगे तो आप क्या करते हो, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ही तो करते हो ना, राइट? हाँ सर। और ये अगर देखोगे तो जी आ रही है, इसका मतलब इंडिविजुअली दोनों मास का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है, जी से डिफरेंट है ऑब्वियसली, बट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है इसका वो क्या ऐसे ही नहीं है जी का, राइट? है ना? मतलब एज इफ सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन जी से ही फॉल कर रहा है, यही तो मतलब निकला ना? यस सर, यस। समझ आ रही है आप सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखो इनको तो हमने वेलोसिटी वी दे रखा है, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो हॉरिजॉन्टली दोनों तो सेम डिस्टेंस मूव करेंगे किसी भी इंस्टेंट पे, राइट? और अभी अगर आप ये फोर्स देखोगे इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो क्या वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अफेक्ट कर पाएंगे? नहीं करेंगे। नहीं, तो वो लोग दोनों हर इंस्टेंट पे क्या होंगे, एक ही वर्टिकल लाइन पे ही रहेंगे, ये तो क्लियर है ना? ठीक है, दोनों एक ही वर्टिकल लाइन पे रहेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी दोनों के लिए क्या है, आइडेंटिकल है। तो अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कांस्टेंट है तो हम क्या, हम ये लिख सकते हैं, देखो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा मार्क कर लेता हूं, लेट्स से हमने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस मार्क कर रखा हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं हमने वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन मार्क कर रखा है, ठीक है? तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालूं तो इसको लिख सकते हैं ना, दिस विल बी m1 मतलब m into velocity v, v आपका x एक्सिस के अलोंग ही है ना? है सर, हाँ। ठीक है, और दूसरे का भी वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग ही है, तो m into vx1 या ऐसे लिख लें vx, दोनों का तो i कैप के ही है तो इसको v लिख लेते हैं सिंपली, m into vi का प्लस m into vi का एंड डिवाइडेड बाय m plus m मतलब 2m। तो अगर आप देखोगे तो ये v ही आ रही है, दिख रही है? तो सेंटर ऑफ मास की भी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो vi cap ही है, राइट? यस सर। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर आप इक्वेशन लिखते हो, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए आप इक्वेशन लिख रहे हो, यू आर राइटिंग डाउन द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई डायरेक्शन, ऐसे लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई डायरेक्शन अगर लिखें तो आप क्या लिख सकते हो इसको, m into displacement of mass m1 along y axis plus displacement of mass m2 along y axis divided by 2m, लिख सकते हैं ना ऐसा? हाँ सर, लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपली m1 s m1 into delta मतलब m1 into delta y1 plus m2 into delta y2 वही लिखा है, ठीक है? अब displacement of center of mass along y axis, y axis के along कोई initial velocity नहीं था, याद है? तो क्या हम लोग इसको directly half of acceleration of center of mass along y axis into t square कर सकते थे? हाँ सर, कर सकते। ठीक है, and displacement of mass m1 along y axis कितनी हुई है, देखो h1 हुई है क्या, पॉजिटिव h1, क्योंकि ऊपर से नीचे आया, मैंने नीचे का डायरेक्शन कोई पॉजिटिव चूज किया है, समझ आ रही है? ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस h1 लिखेंगे, ठीक है, प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m2 हमें नहीं पता है तो h2 अलोंग y एक्सिस रहने देते हैं इसको एंड डिवाइडेड बाय यहाँ 2 लिख लेंगे, समझ आ रही है आप सभी को? ये 2 और ये 2 देखो कैंसिल आउट हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस कितनी थी, जी थी, याद है आपको? जी थी, याद है आपको? प्लस जी, हाँ, है ना, प्लस जी। एंड टाइम कैसे निकालोगे, देखो ये मास का आपको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अनअफेक्टेड था, याद है आपको?
है ना, फोर्सेज अलोंग वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अनअफेक्टेड होगा, और हॉरिजॉन्टली वो कितना डिस्टेंस मूव किया है, एल डिस्टेंस मूव किया है, तो अगर इसको हमने टी इक्वल टू जीरो का टाइम दिखा रखा है, ये टाइम कितना होगा, एल बाई वी होगा या नहीं, राइट? तो तुम्हें ये जो कैलकुलेशन करना है वो कौन से टाइम तक करना है, एल बाई वी तक करना है, तो यहाँ पे जी के साथ यहाँ पे टी जो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जो करना है आपको, वो क्या लिखेंगे आप, एल बाई वी एंड इसका स्क्वायर कर लेंगे, समझ आइए आपको, एंड दैट विल बी इक्वल टू एच वन प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड मास अलोंग वाई एक्सिस. So displacement of second mass along y-axis, that becomes g into l by v, iska square, and plus h1. Ye displacement hai uska. Aur humne, sorry, minus aa jayega. Minus h1 hoga. Theek hai? Humne niche ka direction ko positive choose kiya tha na, yaad hai aapko? Kiya tha, haan sir. Theek hai? To matlab, ye jo value aap likh rahe ho, ye value kis taraf hai? Downward direction mein, hai na? Yes. समझ आ रही है, ये डिस्प्लेसमेंट है. उसने पूछा क्या था हमसे, उसने पूछा था कि किस हाइट पे वो रहेगा इस इंस्टेंट पे, तो हाइट तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बताते हैं ना, बताते हैं हाँ. और पहले से वो कितने हाइट पे था, h2 पे था, और h2 में से इतना वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर गया, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाइट मिल जाएगा ना, सो देयरफॉर हाइट h2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी जो आपको, दैट विल बी h2 will be h2 initial height minus of displacement of second mass along y-axis. Do you understand that? So this will be h2 plus yes, h1 sir. Minus of g into l by v and iska square ho jayega. So h2 plus h1 minus g l by v ka square. G l by v ka square. Ye first option match kar raha hai. Got it? Yes sir, yes. Haan sir. Theek hai. Two identical blocks are kept on a frictionless horizontal table connected by a spring of stiffness constant K and of original length L0. A total charge Q is distributed on the block such that maximum elongation of spring at equilibrium is equal to X for value of Q is. Aapko Q find out karna hai. To dekho, aapke paas situation aisa hai. Agar ye ek block hai, ये दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है, इस पे मान लेते हैं चार्ज Q1 है, इस पे मान लेते हैं Q2 है, तो इन दोनों के बीच की जो फोर्स होगी, ये फोर्स रिपल्सिव होगी, ये रिपल्सिव फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इधर से आप फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दिखा सकते हैं. इनको बैलेंस कौन करेगा, स्प्रिंग फोर्स ही तो बैलेंस करेगा ना Kx का, राइट? करेगा नहीं करेगा? ठीक है, समझ आ रही है आपको? यस सर. ठीक है, तो अभी ये जो सेपरेशन होगी, ये सेपरेशन कितनी होगी इन दोनों के बीच की, L0 plus X, क्योंकि पहले का लेंथ कितना था, L0 था, और इलोंगेशन अगर X की आ गई है तो L0 plus X हो गया होगा, राइट? यस सर. ठीक है, अब देखो, अगर आप इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, F12 निकालो या F21 निकालो, ये दोनों तो एक ही होगा, ये हो जाएगा K into Q1 Q2 and divided by L0 plus X and iska square hoga and that will be equal to KX aega. Sahi hai na? Haan sir. Ab ye soch ke dekho. Agar aap elongation maximum chahte hain to Q1 Q2 ka product bhi to maximum chahiye aapko. Hai nahi hai. Kyunki usne kya bola tha? Ek charge Q hai jisko usne distribute kiya hai. Dekho. A total charge Q is distributed. Kis part mein distribute karna hai ye to tumhe sochna padega. हमें इतना समझ में आ रहा है कि यहां से K, Q1, Q2 की वैल्यू जो आ रही है वो KX into L0 plus X का स्क्वायर आ रही है. So therefore, अगर मुझे, अगर बोल रहे हैं कि X की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, X अगर मैक्सिमम चाहिए तो इससे यही तो कंक्लूजन निकल रहा है कि Q1, Q2 का प्रोडक्ट भी मैक्सिमम चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, है ना? हाँ सर, हाँ. Right? मतलब बेसिकली रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होगा तभी तो होगा, समझ आ रही है? अब इंटरेस्टिंगली Q1 और Q2 का सम फिक्स्ड है या वेरिएबल है? ठीक है,
तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम चाहिए और Q1 Q2 का सम फिक्स्ड है। आपको याद है ये सब चीजें हमने क्लास 11 में पढ़ा है। अगर दो चीजों का सम फिक्स्ड होता है और उनके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना होता है तो दोनों को इक्वली डिवाइड करना होता है, याद है आपको? Yes, है ना। दो चीजों का अगर सम फिक्स्ड है, दो चीजों का सम फिक्स्ड है और उन दोनों के प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो फिर उन दोनों को इक्वली डिवाइड करना होता है। तो डायरेक्टली आप Q1 इक्वल टू Q2 कर सकते थे। और अगर आपको नहीं समझ आता है सब चीजें, बिल्कुल नहीं कुछ भी याद नहीं रख सकते, तो आप हमेशा कैलकुलस का सहारा लीजिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, इसको स्मॉल क्यू के टर्म्स में लिखो तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू, एंड इसकी वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए। कोई भी चीज का मैक्सिमम चाहिए तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो, यही तो करते हैं ना। हाँ, तो क्या करेंगे, डी बाई डी क्यू इंटू क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर कैपिटल क्यू माइनस टू क्यू इज इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर स्मॉल क्यू विल बी कैपिटल क्यू बाई टू। ये तो आना ही था। ये आप, ये सब चीजें आपको याद रखना चाहिए। जब भी किसी चीज का, कोई दो चीज का सम फिक्स्ड है और प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है तो दोनों को इक्वली डिवाइड करनी होती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू आपको सेम लेनी है और ये आपको Q/2 लेनी है। सो देयरफॉर अब वो लास्ट इक्वेशन जो हमने निकाला था KQ1 Q2, तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो K into Q square by 4 is equal to, यहाँ पे क्या था राइट साइड में, KX and into L0 plus X and इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो आपको Q चाहिए था, मिल गया Q, K तो 1 by 4 pi epsilon 0 होता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 16 pi epsilon 0 into KX and into L0 plus X का whole square and फिर इसका रूट ले लेंगे। Did you understand? Yes, sir. Clear है सभी को? Yes, sir. ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेते हैं। Just check. एक पैराग्राफ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। टू बॉल्स ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 इनिशियली हैव एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी, बोथ दी बॉल्स आर सब्जेक्टेड टू सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेम टाइम। तो डेटाज थोड़े से मार्क कर लेते हैं। चार्जेस आपको Q1 Q2 दिया हुआ है, एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी दिया हुआ है, सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेम टाइम दिया हुआ है। As a result, velocity of first ball is reduced to half. Velocity of first ball reduced to half है, इसका मतलब decelerating force उसमें लगा, ये तो पक्का है ना? हाँ सर। ठीक है? And its direction is changed by 60 degree. Direction of motion भी change हुई है, मतलब कि दोनों parallel और anti-parallel का case है ही नहीं, समझ आ रही है? मतलब velocity और electric field ना तो parallel है ना तो anti-parallel है, ये समझ आ रही है आपको? ये समझ आ रही है आपको? हाँ, सर। ठीक है, फिर दे रखा उसने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल चेंजेस बाय 90 डिग्री। अब उसके बाद इससे रिलेट करके उसने कुछ चीजें पूछी है। पहला चीज उसने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करूं इसको तो एक बार जरूर क्वेश्चन के ऑप्शंस को जरूर देखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको हमेशा एक हिंट मिलेगा, एक अच्छा हिंट मिलता है। देखो इतना तो मैंने आपको, देखो सोचने का तरीका बताया कि यहां से ये वाला पार्ट जो था, इस पार्ट से मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट से मुझे ये पता चल गया था कि डिसेलरेटिंग फोर्स काम करना है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर नीदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल। समझ आ रही है? समझ आ रही है? हाँ सर। डिसेलरेटिंग फोर्स एक्ट करानी है, ठीक है, एंड पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में क्या एक्यूट एंगल पॉसिबल है क्या? अगर एक्यूट एंगल होता तो फिर उससे क्या होता, वो वेलोसिटी के, अगर आप सोचो, आप एक बार सिचुएशन कैसे विजुलाइज करो, मान लो कि वेलोसिटी इस तरफ आप लेते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस तरफ दिखाते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं आप, ठीक है? तो इस केस में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आप ब्रेक कर सकते हैं, एक इधर का कंपोनेंट वी पैरेलल और एक इधर का कंपोनेंट वी परपेंडिकुलर, कर सकते हैं? हाँ सर। वी परपेंडिकुलर तो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है ना, बिल्कुल वैसे जैसे प्रोजेक्टाइल में होता है, राइट? हाँ सर। The component perpendicular to electric field will not change with respect to time, but जो parallel component है, उसका तो magnitude बढ़ता चला जाएगा ना? हाँ, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर एक component fixed है और दूसरा बढ़ता जा रहा है, तो इस केस में क्या हुआ? Speed तो बढ़ा या घटा? Speed बढ़ेगा सर। ठीक है, तो acute angle possible नहीं है।
और एक्यूट एंगल पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल देखो, तुम अगर देखोगे ऑब्ट्यूज एंगल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, देखो 150 दिख रहा है आपको, तो उसको टिक करते और आगे निकल जाते, समझ आ रही है? सो डिसेलरेटिंग फोर्स एक्ट कर रही है, इसी से आपको पता चलना चाहिए था कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्ट्यूज होगा, एंड ऑब्ट्यूज ऑप्शन देख के आपका एक ही ऑप्शन मार्क किया, समझ आई आपको? हाँ सर, ठीक है। बट ये भी ऑप्शन, ये भी पॉसिबल है कि दो ऑप्ट्यूज दे देते, अब दो ऑप्ट्यूज दे देते तब मुश्किल काम है, तब आपको इस तरह से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते थे, तब आपको कैलकुलेशन करना पड़ता, आर यू गेटिंग इट? बट यहाँ पे चार ऑप्शन को देख के तो मैं श्योर होके एक ऑप्शन मार्क कर लेता, समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही है कुछ भी? हाँ सर आ रही है। ठीक है, अब चलो मान लेते हैं कि सपोजली ये ऑप्शन में 120 डिग्री भी होता, तब कैसे डिसाइड करते हैं? तब आप यू नो ऑब्ट्यूज एंगल ये तो डिसाइड कर लिया या नहीं कर लिया हमने? Have we decided or not? Electric field के बीच में और velocity के बीच में obtuse angle है? हाँ sir, कर। ठीक है, तो obtuse angle तो है, ये decided है, this is decided now. तो हम लोग मान लेते हैं कि हमने electric field ऐसा ले रखा है, left की तरफ मान लेते हैं, ठीक है, electric field left की तरफ ले रहे हैं, electric field left की तरफ है, और चार्ज हमारा मान लो हमने उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया है, ये है वेलोसिटी, तो अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल जो देखो मैंने ऑब्ट्यूज ही लिया है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। ओके, अब ये चेक करो, अब इसमें थोड़ा सा वेक्टर डायग्राम भी आपको थोड़ा सा यू नो समझाता हूँ, हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली ये वाली एंगल, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमें ये वाली एंगल फाइंड आउट करनी है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट दिस एंगल, ये वाली एंगल आपको फाइंड करनी है। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या आप ये इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस a into t, ऐसा यूज कर सकते हैं क्या? हाँ सर, कर है ना, सिंस एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, तो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज u प्लस q into e डिवाइडेड बाय m into t, कैन वी राइट दैट? यस सर, वी कैन, ठीक है ना, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, जस्ट फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को रिलेट करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। अब डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसमें अप्लाई किया आपने, तो थोड़ी देर के बाद का वेलोसिटी जो है, देखो इनिशियल वेलोसिटी अगर बात करें, ये इनिशियल वेलोसिटी, इस इनिशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड अगर देखोगे, सॉरी ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, v by 2, क्योंकि उसने कह रखा था ना, देखो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज रिड्यूस टू हाफ इनिशियल वैल्यू, याद है आपको? याद है आपको? यस सर। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, v final और इसको मतलब बाकी को रहने देते हैं, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज करेंगे कि सर मॉड ऑफ v को आपने v by 2 क्यों लिख दिया है, ये फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको v by 2 दे रखा है, ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी मैग्नीट्यूड उसने कितने दिए, v दिए, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है बात? यस सर, यस सर, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल नहीं है, ध्यान रखना, दिस आर नॉट पैरेलल, इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है, उसने क्या बोला था, 60 डिग्री से उनका डायरेक्शन चेंज हो गया था, याद है, एंड डायरेक्शन चेंजेस बाय 60 डिग्री, याद है? हाँ सर। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिखूं, तो सोचो इनिशियल वेलोसिटी में, मतलब जैसे आप वेक्टर सम करते हो, जैसे सोचो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर कोई सी वेक्टर लिखता है तो आप क्या लिखते हो, अगर ये सोचो, अगर ये ए वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, तो इधर से ट्रायंगल और लगाओगे तो ये सी वेक्टर होगा ना, समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ, समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, सिंपल ट्रायंगल लो, तो देखो ये वाला जो इक्वेशन है v equal to u plus at वाला, u को आप a वेक्टर की तरह ट्रीट करो और qe by m into t इसको b वेक्टर की तरह ट्रीट करो, और इन दोनों का सम हमारा फाइनल वेलोसिटी है, समझ आ रही है? समझ आ रही है? यस सर। तो देखो मैं इस इक्वेशन को फिर से एक बार डायग्राम वेक्टोरियली बना रहा हूँ, देखो ये, देखो ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और इसकी मैग्नीट्यूड हमें v दे रखी है, फिर qe by m तो हॉरिजॉन्टल है ना, q जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही तो आपका qe by m का, qe by m into t का भी डायरेक्शन होगा। हाँ सर वही होगा। ठीक है, तो देखो ये आपका, ये है आपका q into e by m, अच्छा अभी हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, qe by m into t, समझ आ गया आपको? एंड इसके साथ फिर जब आप इसको ऐड करोगे यहाँ पे, इसको जब आपने ऐड किया यहाँ पे,
तो ये आपका v by 2 मिलना चाहिए, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड उसने दे रखी है, दिस इज v by 2. डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर. ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट देखो. लेट अस से अच्छा ये वाला, इन दोनों के बीच का एंगल हमें पता है, ठीक है ना, ये एंगल 60 डिग्री है, ये दिया हुआ था उसने. डू यू रिमेम्बर दिस? डू यू रिमेम्बर दिस? यस यस सर. डायरेक्शन वाज डिफ्लेक्टेड थ्रू 60 डिग्री है, उसने दिया हुआ था. तो लेट अस कंसीडर ये वाली एंगल आपकी थीटा है. अच्छा थीटा नहीं मान सकते, थीटा तो उधर दिया हुआ था हमने, ये अल्फा मान लेते हैं. और अगर हमने इसको अल्फा मान लिया तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी? 60 माइनस अल्फा होगी. होगी सर. अब देखो v by 2 का जो cos अल्फा है, क्या वही v का cos of 60 माइनस अल्फा है? ये नहीं है. हाँ 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 ठीक है, ये v तो कैंसिल आउट हो गई और यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू मिल रही है आपको 2 टाइम्स ऑफ, इसको लिख लेते हैं cos a cos b, मतलब हाफ into this is half into cos alpha cos of alpha and plus sin a मतलब root 3 by 2 into sin alpha, यही है ना? ठीक है, यही है सर. हाँ ये 2 को तो हटा ही देते हैं. अरे कुछ गड़बड़ किया मैंने क्या? Did I make some mistake? क्या गलत किया मैंने? v by 2 cos alpha is v cos 90 minus, sorry, 60 minus alpha. So cos alpha cos a cos b plus sin a sin b. ठीक है, अच्छे cos a is 60 cos, ठीक है तो लिखा हूँ. और यहाँ cos alpha plus sin a root 3 by 2 into 2. ठीक है, ये क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं सर? बेटा बोलिए. सर ये जो 60 डिग्री है ये तो ऑब्ट्यूज जैसा हो गया, इसलिए कुछ हो रहा है, मतलब नहीं, ये जो बाइसेक्टर है वो नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्योमेट्री वाइज तो हमने, अगर मैं इसको, अगर इसको ऐसे भी दिखाऊं, सोचो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं इसको ऐसे भी दिखाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तुम यहां से जब मार्किंग करोगे तो ये एंगल को अगर अल्फा दिखा रहे हो तो इधर से 60 माइनस अल्फा लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे ना, है ना? हाँ सर, हाँ सर. तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जस्ट कुछ छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, श्योर कंसेप्चुअल मिस्टेक कुछ नहीं है यहाँ पे, बस कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हो रहा है. लेट मी सी, cos alpha v by 2 तो है, ये भी है, 60 डिग्री से टर्न किया है हमने, ये ठीक ही है, मैग्नीट्यूड हाफ हो गया, ये भी ठीक ही है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं. ये 60 है, क्या कर रहे हैं? इसे अल्फा जीरो आ रहा है ना? हाँ अल्फा जीरो आ रहा है. अच्छा अल्फा जीरो, अल्फा जीरो आने का मतलब इधर से, अच्छा अच्छा ठीक ही तो है. ओफो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बेकार का टाइम पहले मिस किया. देखो यहाँ से, सो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई ना अभी. और साइन अल्फा अगर जीरो आ गई है तो एक्चुअली अगर डायग्राम अगर देखोगे तो कैसा है यहाँ पे, इधर से ही अगर सोचें तो डायग्राम ऐसा है, इधर आपका वी बाई टू है एंड इधर से 60 ये है, ये है आपका v और इधर से आपका ये है qe by m into t. समझ आ रही है आपको? हाँ सर. ठीक है, यही तो मतलब निकला. और देखो आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ था? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ था ना, याद है? इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, याद है? हाँ 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 सर.
ये एंगल देखो 60 है, देखो ये एंगल 90 है, तो हमारा थीटा कितना हो गया, थीटा इज 90 प्लस 60 कितनी आ रही है, 150 आ रही है, आई 150। हाँ सर आई। ठीक है, तो ये क्लियरली आपको यहाँ से मिल गया कि थीटा की वैल्यू 150 हो गई। तो मैंने आपको बस कैलकुलेशन करने का तरीका दिखाया कि पहले तो मैंने आपको एक स्मार्ट वर्क दिखाया कि यू नो आप डायरेक्टली 150 को मार्क कर सकते थे, एंड दूसरा है अगर ऑब्ट्यूस एंगल अगर दो ऑप्शन होते तो फिर कैसे करते, तो ये अब एनीवेज आपको मिल चुका है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में मूव करते हैं, 64 जो क्वेश्चन नंबर है उस पे मूव करते हैं। द न्यू वेलोसिटी ऑफ सेकंड चार्ज पार्टिकल हैज अ मैग्नीट्यूड x टाइम्स द इनिशियल वेलोसिटी वेयर x इज, अब x फाइंड करना है आपको, सेकंड चार्ज का वेलोसिटी x टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, वहां x फाइंड करनी है, उसका एंगल कितना से चेंज कर रहा था, देखो सेकंड चार्ज सेकंड बॉल का जो डायरेक्शन चेंज कर रहा था वो आपका 90 डिग्री से चेंज कर रहा था, ये उसने दे रखा है। ठीक है, बट उसको भी सेम इनिशियल वेलोसिटी से ही आपने प्रोजेक्ट किया था। सो अब हम सेकंड चार्ज के लिए मूव कर रहे हैं, फॉर सेकंड चार्ज ऑफ कैलकुलेशन करेंगे। तो ये कुछ ऐसा है, अब हमें तो ऑलरेडी 150 डिग्री जो पता है उसको यूज करेंगे। ठीक है, जो हमें 150 डिग्री पता है उसको यूज करना है, इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने चार्ज को प्रोजेक्ट किया है इस तरफ विद अ वेलोसिटी वी, एंड इसका एंगल चेंज किया है 90 डिग्री से वेलोसिटी का, मतलब इसके साथ 90 डिग्री पे इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है एंड दिस इज अगेन Q2 into E by M into T, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। हाँ सर। ये एंगल 90 है, ध्यान रखना। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपको ये पता है कि ये इंटायर एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में 150 है, तो ये एंगल कितना हुआ, 60 हुआ ना, देखो तो 60। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि टोटल एंगल आपका 150 का होना चाहिए। ठीक है, अब फिर से अगर देखोगे तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच लो और ये एंगल अगर देखोगे तो 30 हो गया और ये एंगल अगर देखोगे तो 60 हो गया। दिख रही है आपको, दिख रही है, ये एंगल को भी आप मार्क कर सकते हैं, 60 होगा। तो ट्रायंगल में देखो tan 60 अगर आप लिखोगे, tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 को आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर बेस मतलब v by vf, देख सकते हैं। तो vf की जो वैल्यू आ रही है दैट इज v by √3 आ रही है। तो इसका मतलब जो k हमें निकालना था, जो k निकालना था उसने k पूछा था ना, 1/√3 टाइम्स हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, अब स्पेसिफिक चार्ज पूछा उसने, चार्ज और चार्ज टू मास रेशियो ऑफ फर्स्ट बॉल दे रखा उसने, के है, तो सेकंड वाले के लिए पूछा है कि वो कितनी आएगी। ठीक है, दिवाज है, अब वो एक बार निकालते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले चार्ज के लिए देखो Q बाई एम की वैल्यू अगर, अच्छा ये एम दोनों के लिए अलग अलग थे ना, हाँ मतलब चार्जेस दे रखा है Q बाई एम, तो आपको निकालना होगा। तो फर्स्ट चार्ज के लिए काम करते हैं, इस ट्रायंगल से ही देखो, जो फर्स्ट ट्रायंगल हमारा बना हुआ है, फर्स्ट वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले ट्रायंगल की नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। तो इस फर्स्ट ट्रायंगल से अगर देखें तो वी कॉस नहीं, वी साइन 60, वी साइन 60 को हम लोग लिख सकते हैं क्यू वन इंटू ई डिवाइडेड बाई एम वन इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इस रिलेशन को आप मान लो रिलेशन वन है। ठीक है, लेट अस से दिस इज रिलेशन वन। अब सेम चीज इस ट्रायंगल में करो, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो इसमें वी फाइनल इधर से पता है आपको और 60 का साइन, अच्छा साइन 60 एक बार निकालते हैं, साइन 60 देखो कितनी है, साइन 60 कितनी है, परपेंडिकुलर बेस लगाओ, तो परपेंडिकुलर इज वी एंड बेस इज क्यू टू इंटू ई बाई एम टू इंटू टी। ठीक है, मैंने मासेज के लिए और चार्जेस के लिए क्यू सबस्क्रिप्ट यूज किया। ठीक है, सो दिस बिकम्स √3/2, सो देयरफॉर क्यू टू इंटू ई बाई एम टू इंटू टी दैट बिकम्स 2v/√3, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया है। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन जो निकाला है उनको डिवाइड कर दो आप,
फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो देखो आपको स्पेसिफिक चार्ज उसने के दे रखा है एक के लिए, ये के दे रखा है, ये दूसरे वाले का जो है इसको के डैश मान लेते हैं, ठीक है, इसको के डैश मान लेते हैं। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो v sin 60 मतलब v into root 3 by 2 and divided by 2v by root 3 that is equal to k in divided by k dash। आ रही है क्या? देखो तो हाँ सर, ठीक है। so therefore k dash की जो वैल्यू हो गई है that is 4 by 3 times of k। आ रही है k dash की वैल्यू is 4 by 3 times of k, मैच कर गया। ये बेसिकली वेक्टर का भी एक अच्छा एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का तो एप्लीकेशन हमने किया ही, बट अगर देखोगे तो ये वेक्टर का भी अच्छा एप्लीकेशन था ना। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सर एक ही फॉर्मूला लगा क्यू वी। हाँ, बट ये वेक्टर का मोस्टली वेक्टर का ही एप्लीकेशन था, मतलब वेक्टर रिजल्टेंट आप ट्रायंगल की तरह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, मतलब ट्रायंगल लॉ यूज करना आता है या नहीं, या फिर आप हमेशा वेक्टर को आप सिर्फ और सिर्फ यू नो यू आर ऑलवेज सीइंग वेक्टर्स लाइक यू नो मतलब वेक्टर का एडिशन करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला ही नहीं पता है, मतलब और कुछ जानते ही नहीं आप वेक्टर के बारे में, तो फिर दिक्कत आएगी आपको। आई होप आपको समझ आ रही है सब चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर से एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये। There is a non-conducting rod of length L and negligible mass with two small balls each of mass M and electric charge Q attached at two ends. The rod can rotate in horizontal plane about a fixed vertical axis crossing it at a distance of L by 4 from one of its ends. A uniform electric field is established. At first the rod is in unstable equilibrium position. Okay. If the rod is disturbed slightly from this position, maximum velocity attained by the ball, which is closer to the axis in subsequent motion, will be okay. Unstable equilibrium में पहले ही दे रखा है उसने। हम क्या करते हैं यहाँ पे? एक electric field मान लेते हैं। Let us say we have a uniform electric field over here. यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एस्टैब्लिश कर रखा है। अब चार्ज में दो चार्जेस हैं, दोनों कनेक्टेड हैं एक मासलेस रॉड से, तो एक रॉड बना लेते हैं यहाँ पे। ओह सॉरी, यहाँ पे एक मासलेस रॉड है। अब इस मासलेस रॉड के एक एंड पे आपको एक्सिस कनेक्ट करना है, बट ये कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि आपको पता चले कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप यहाँ पे देखो एक रॉड कनेक्ट करते, मतलब एक्सिस बनाते, देखो इस पॉइंट को मैं ए मार्क कर रहा हूँ, और या फिर आप इधर बनाते पॉइंट बी को मैं मार्क कर रहा हूँ, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स आपको जीरो मिलना चाहिए, ठीक है, या नेट टॉर्क आपको जीरो मिलना चाहिए। तो हिंज है तो हिंज तो आपका भागने नहीं देगा रॉड को, तो इसलिए नेट फोर्स तो जीरो आप कर सकते हैं, बट नेट टॉर्क आपको हर जगह पे जीरो नहीं मिलेगा। अब आप ऐसा पॉसिबिलिटी सोचो, एक काम करते हैं पहले ए वाला पोजीशन को लेके देखते हैं, ठीक है, ए वाला पोजीशन मतलब हमने इधर पे मान लेते हैं कि इसको ऐसे अटैच कर रखा है और यहाँ पे ये इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह से हमने चूज किया। तो हमारा जो चार्ज है वो यहाँ पे अटैच है, दिस चार्ज इज प्लस क्यू, एंड यहाँ पे भी चार्ज अटैच है, दिस चार्ज इज ऑल्सो प्लस क्यू। देखो इस पे नेट फोर्स अगर देखोगे तो जीरो आ जाएगी, नेट टॉर्क अगर देखोगे तो जीरो आ जाएगी, दिख रही है आपको, है ना, दोनों फोर्सेस देखो अलोंग द रॉड ही है, तो एक्सिस से पास कर रहा है दोनों फोर्स, तो कोई टॉर्क नहीं आएगा। बट अगर इसको मैंने थोड़ा सा टर्न किया, इमेजिन करो थोड़ा सा टर्न करके देखो, उसके बाद देखो कि टॉर्क जीरो आएगी नहीं आएगी, मतलब टॉर्क किस तरफ आएगी वो चेक कर रहे हैं। ये देखो हमने इसको थोड़ा टर्न कर दिया है, और टर्न करने के बाद अब इस पे फोर्सेस का डायरेक्शन चेक करो, इस एंड पे जो चार्ज है उस पे फोर्स इधर से लगेगी, दिस विल बी क्यू इनटू ई, और इस एंड पे जो चार्ज है इस पे फोर्स आपकी इधर से लगेगी वापस से,
वो भी क्यू इंटू ई। अगर आप देखोगे तो आर्म लेंथ किसका बड़ा है, आर्म लेंथ किसका बड़ा है, राइट वाले चार्ज का, देखो दिख रही है आपको, फोर्स फोर्स दोनों का सेम है, फोर्स दोनों का ही सेम है, बट आर्म लेंथ तो राइट वाले चार्ज का बड़ा है ना, दिख रही है आपको, दिख रही है, ठीक है। तो इससे अगर आप देखोगे तो इसकी ये वाली डिस्टेंस अगर 3l by 4 है और ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3l by 4 sin थीटा, और इधर से दिखाओगे तो ये हो जाएगा l by 4 sin थीटा। तो इसका मतलब है इसकी वजह से अब देखो एक इस डायरेक्शन में एक टॉर्क आ जाएगा, यानी समझ आ रही है? हाँ सर। और अगर टॉर्क इस तरफ आई है, देखो आपने डिस्प्लेस किधर किया इसको, क्लॉकवाइज, और टॉर्क किधर आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था या अनस्टेबल था? स्टेबल। इसका मतलब ये पोजीशन जो है, ये आपने जो ड्रॉ कर रखा है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बट उसने कैसा दे रखा है आपको, पहले कैसा दे रखा है, इनिशियली क्या था, अनस्टेबल, मतलब ये डायग्राम गलत हो गया ना हमारा, समझ आई आपको, समझ आई? अरे हाँ या ना तो बोल दो बेटा। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये गलत हो गया है, तो हमें क्या करना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाना है, मतलब उल्टा डायग्राम, अनस्टेबल बनाना है, मतलब उल्टा लेना है हमें। तो व्हाट विल डू इज, व्हाट वी विल डू इज, अब इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। सो रॉड को इस बार उल्टा कनेक्ट करेंगे, एक्सिस इस बार राइट की तरफ शिफ्टेड दिखाएंगे, सो एक्सिस यहां पे हमारा शिफ्टेड है। ये रहा, इन दोनों एंड्स पे आपके चार्जेस हैं, प्लस क्यू ईच, यहां पे नेट टॉर्क आपको जीरो मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा टर्न कर लो एक बार, ये फिर से वापस से सेम सिनेरियो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ज, अब इस पे फोर्स जो लगेगी वो राइट की तरफ, फिर से दिखाएंगे तो Q into E फोर्स लग रही है, ये एंगल थीटा है, इस पे भी फोर्स आपकी इधर ही लगेगी, दिस विल बी Q into E एंड ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस आपका 3L by 4 sin थीटा, एंड इधर से ये डिस्टेंस आपकी L by 4 sin थीटा। तो अब नेट टॉर्क आपकी इस तरफ आ रही है, दिस इज द नेट टॉर्क, सो नेट टॉर्क अगर लिखोगे आप तो वो आपकी क्लॉकवाइज आ रही है, एंड ये नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी, क्यू ई, सॉरी कैपिटल क्यू, क्यू ई इंटू 3L by 4 साइन थीटा, ये आपका क्लॉकवाइज, माइनस क्यू ई इंटू 1L by 4 साइन थीटा। आई होप आपको समझ आई है, समझ आई आपको? हाँ, ये टॉर्क हम क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो सिंस रॉड मासलेस है, दोनों पॉइंट मासेस का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, तो क्या लिखेंगे आप, m, दोनों मासेस m ही है, दोनों मासेस से आइडेंटिकली दिया था, मास m h, ठीक है, और रॉड मासलेस ही ध्यान रखेंगे, ठीक है, नेग्लिजिबल मास है रॉड का, ठीक है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए आएंगे, तो एक पॉइंट चार्ज है 3L by 4 डिस्टेंस पे, तो m into 3L by 4 का स्क्वायर n plus m into L by 4 का स्क्वायर, ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एंड दैट मल्टीप्लाइड विद अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू QE into L by 2 sin theta, एंड यहां से अभी आप लिख सकते हो m L square by 16 को कॉमन आउट कर ले, एंड इसके साथ 3 3 9 plus 1 10 alpha, that will be equal to QE into L by 2 sin theta. यहाँ से एक L हटा देते हैं, और यहाँ से 2 8 से cancel out हो जाएगा, ये 4 और ये 5 आ जाएगा. So यहाँ से अगर आप देखोगे तो अल्फा की वैल्यू आ रही है आपके पास 4 by 5 times of QE by ML into sin theta. ये अल्फा अगर आप देखोगे तो थीटा का फंक्शन आ रहा है, दिख रहा है आपको, वेरिएबल हुआ, राइट, है ना, दिख रही है आपको,
अब क्या क्या पूछा उसने, पहले उसने पूछा है कि मैक्सिमम एंगुलर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ चार्ज विच इज क्लोजर टू द एक्सिस निकालनी है। तो देखो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी भी तो आएगी ना, है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगा तो पक्का है उसी वक्त तो स्पीड भी चार्जेस का मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि वी निकालने के लिए आप क्या करोगे, बस ओमेगा इनटू आर करोगे। तो आपको जो मैक्सिमम स्पीड पूछा है मतलब मैक्सिमम ओमेगा कहां है वो निकालना है। तो देखो जब तक आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रही है, जब तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रही है तब तक तो ओमेगा बढ़ेगा ही, है ना। तो ओमेगा कब तक बढ़ेगा, जब तक थीटा पाई नहीं हो जाता, क्योंकि पाई एंगल मतलब कि ये जो चार्जेस है एकदम अपना पोजीशन को स्वैप कर ले, मतलब लेफ्ट वाला चार्ज राइट पे चला जाए और राइट वाला चार्ज लेफ्ट पे चला जाए, तो अब वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन में आ जाएगा। समझ आ रही है, समझ आ रही है आपको? हाँ सर। तो उस केस में आपको क्या दिखेगा, उस केस में आपको दिखेगा कि बेसिकली ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। यू गेट दैट? ठीक है, समझ आ रही है आपको? यस सर। सो देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा विल बी मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू पाई। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि अल्फा पॉजिटिव कब तक है, जब तक अल्फा पॉजिटिव होगा तब तक तो ओमेगा बढ़ेगा ना। अल्फा साइन थीटा का फंक्शन आया है, साइन थीटा कब कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट एंड सेकंड, यस सर। राइट, सो ओमेगा विल बी मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू पाई। क्यों लिया आपने, सिंस साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो फॉर थीटा लेस देन पाई। ठीक है, आप मैथमेटिकली अगर समझते हैं तो मैंने आपको एनालिटिकली भी समझाया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क जब तक मिल रहा है तब तक तो उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा ही, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क आपका यू नो 180 डिग्री तक है। तो अब एक चीज आप ये कर सकते हैं कि अल्फा को ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा लिखो और उसको इंटीग्रेट कर दो जीरो से लेके पाई तक, तो आपको ओमेगा मैक्स मिल जाएगा। मैं उसके बाद एक आसान तरीका भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं अब ये लिख रहा हूँ कि अल्फा की वैल्यू को ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा लिखा, एंड इसको लिख रहे हैं 4/5 टाइम्स ऑफ क्यू ई बाय एम एल एंड इनटू साइन थीटा। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लें, तो ओमेगा डी ओमेगा is equal to 4/5 times of QE by ML and into sin theta d theta. अब इसको इंटीग्रेट करें जीरो से लेके ओमेगा मैक्स, एंड ये हो जाएगा जीरो से लेके पाई। सो देयरफॉर दिस इज ओमेगा मैक्स का स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ QE by ML एंड sin theta का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos theta, एंड माइनस कॉस थीटा का लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो इनटू 2 आ जाएगा। समझ आ रही है आपको? हां सर। ठीक है, तो ये 2 राइट साइड में लेके चले जाओ तो ओमेगा मैक्स की वैल्यू देखो आपको मिल गई है। तो ओमेगा मैक्स की वैल्यू आ रही है 2 टू द 4 4 4 16 16 बाय 5 टाइम्स ऑफ क्यू ई बाय एम एल एंड इसका रूट आ जाएगा। ये ओमेगा मैक्स मिल गई आपको। वंस यू हैव गॉट ओमेगा मैक्स देयरफॉर वेलोसिटी अगर इन चार्जेस को हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो है उसने तो छोटे वाले चार्ज का वेलोसिटी पूछा है, तो छोटे वाले चार्ज की वेलोसिटी जब आप मार्क करोगे ये वाली वेलोसिटी को देखो, तो ये वेलोसिटी आप कैसे लिखोगे, ओमेगा इनटू एल बाय फोर लिखोगे यानी लिखोगे ना। समझ आ रही है? ठीक है, तो आप ओमेगा तो निकाल ही चुके हो तो बस एल बाय फोर से मल्टीप्लाई कर लेना है। सो देखो वी जो अपना रिक्वायर्ड है, ठीक है, दैट विल बी ओमेगा मैक्स इनटू एल बाय फोर हो जाएगा, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स 4/4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर QE into L and divided by 5m आ जाएगा, QEL by 5m का रूट, QEL by 5m का रूट आ जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने आपको कैलकुलस यूज करके दिखाया, बट मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीका भी अब दिखाता हूँ, ऑल्टरनेटिव करके दिखा रहा हूँ। देखो अप्लाइंग सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो इनिशियली जो चार्ज रॉड का पोजीशन था वो कुछ ऐसा था, मैं फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को बस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। ये वाला हमारा एक्सिस था और बाद में ये वाला एक्सिस है। आपको पता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो है एंड बाद में ये आपका ओमेगा मैक्स है, यही है ना, राइट? हां सर। ये वाली चार्ज जो है अपनी प्लस क्यू और ये चार्ज है आपकी प्लस क्यू, ये वाली चार्ज प्लस क्यू, वैसे ही दिखा रहे हैं, ठीक है, ये चार्ज आपकी प्लस क्यू। देखो अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो जो क्यू मतलब लेफ्ट वाला चार्ज है उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पोजीशन वो कितना हुआ है, देखोगे
यहाँ पे ड्रॉ कर देते ताकि आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आए। सेम वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ करेंगे बेटर समझ आएगा। देखो आपको एक मिनट, अब देखो देखो आपको समझ आएगा का? कितना 6L/4 दिख रही है आपको? 6L/4 समझ आ रही है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही था ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट थी। दोनों में से किसी चार्ज को भी ले लो आप। हाँ सर, हाँ। एक काम करते हैं, इसको और एक स्टेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट रुके, एक और स्टेज बीच का ड्रॉ कर देता हूँ, आपको बेटर समझ आएगा। क्यों कर रहा हूँ आपको समझ आएगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगाओगे तो एक लाइन में वही आंसर निकलेगा। बस आपको सोचने का तरीका थोड़ा सुधारना है, अगर आप नहीं सोच सकते तो। ये देखो इस पे फोर्स आपकी क्यू कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू इंटू ई लग रही है, और इस एंड पे भी आपकी फोर्स जो है वो कैपिटल क्यू इंटू ई लग रही है। आप देखो ये जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स क्या इस ओरिएंटेशन पे डिपेंडेंट है, थीटा पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं है सर। नहीं है, तो दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगी है वो कॉन्स्टेंट ही लगी है। दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट फोर्स एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट फोर्स। और अगर कांस्टेंट फोर्स लगी है तो उसका वर्क कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्टली फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स करते हैं या नहीं करते? करते हैं सर। करते हैं। तो देखो जो लेफ्ट वाला चार्ज है उसके लिए फोर्स राइट की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी राइट की तरफ हुआ है, दिख रहा है? बट जो लेफ्ट वाला चार्ज, जो राइट वाला चार्ज है उसके लिए फोर्स तो राइट में है बट डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है। डू यू सी दैट? डू यू सी दैट? यस सर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो फिर पॉजिटिव वर्क लेफ्ट वाले चार्ज के लिए, नेगेटिव वर्क राइट वाले चार्ज के लिए, एंड नेट वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस दैट्स इट। सो वर्क डन ऑन लेफ्ट चार्ज प्लस वर्क डन ऑन राइट चार्ज, दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी का चेंज होना चाहिए। सो लेफ्ट चार्ज पे आपने जो कितना वर्क किया है, दैट इज क्यू ई फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ट्वाइस ऑफ 3L/4। प्लस वर्क डन ऑन राइट चार्ज, फोर्स इज क्यू ई, डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ है तो माइनस ऑफ 2 times of L/4। And that will be change in kinetic energy. So half of, इसको लिख सकते हैं आप directly ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर इसकी velocity, ये जो छोटे वाले charge उसकी velocity आपको निकालनी थी, ये distance आपको पता है L by 4 है, this is L by 4, और इसकी distance आपकी 3 L by 4 है, तो पक्का है कि जो जो दूर में charge है उसकी velocity 3 भी होगी, होगी नहीं होगी? होगी सर। हाँ, तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते थे क्या? मोमेंट ऑफ ओमेगा नहीं निकाल के हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू 3V का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? हाँ सर, लिख सकता है। समझ आइए, ठीक है। डिस्टेंस 3 गुना हुआ तो वेलोसिटी भी 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा सेम है दोनों के लिए। अब देखो अब इसका सिंपली कैलकुलेशन ही बचा है। सो क्यू ई इंटू 2 3L/4 एंड L/4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा क्यू ई इंटू 2 and into L/2, and that is equal to 10 times of half m into v square. देखो तो आ रही है क्या? हाँ सर, ये आ रही है। ये 2 5 से cancel out हो गया, ये 2 2 cancel out हो गया, and देखो v का value आ गया आपका q e into l divided by 5m, and इसका square root ले लेंगे। देखिए आपको, देखो same आया ना? आया सर। हाँ ठीक है। अब इसमें देखो मैंने कुछ integration वगैरह नहीं किया है, कंसेप्चुअली आप काफी अच्छी चीज यूज की है, बस वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया है। वर्क कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको ऑब्वियसली। इसमें देखो काफी मेहनत किया था, टॉर्क निकाला, टॉर्क निकालने के बाद अल्फा निकाला, अल्फा निकालने के बाद फिर ओमेगा के लिए निकालने के लिए इंटीग्रेट किया, तो इसमें काफी मेहनत किया हमने। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। इन विच पोजिशन रॉड मस्ट बी सेट सो दैट इफ डिस्प्लेस्ड अ लिटिल फ्रॉम दैट पोजिशन इट बिगिंस सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द एक्सिस। अब इसका डायग्राम में थोड़ा क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है ये तो बताया नहीं उसने। क्या बताया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? देखो क्वेश्चन के डायग्राम में, क्वेश्चन के डायग्राम में देखो कहीं पे भी बस उसने ये मेंशन किया हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट है या राइट है ये बताया नहीं उसने। बताया क्या? नहीं बताया। नहीं बताया ना, हम तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने लिए राइट की तरफ मान के कर रहे थे, और वही नॉर्मली होता है कि जब आपको नहीं दिया तो आप ये मान के चलिए राइट की तरफ है,
तो राइट की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप सोचो लेके चल रहे हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इस्टेब्लिश कर रहे हो, ठीक है, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कुछ चीजें। कई बार ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें आपको वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में आपको एग्जाम जो सेट क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के आपको करना पड़ता है। तो आप इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब राइट की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा था आपको ध्यान है? कौन सा था? ए वाला। ए वाला था ना, जहां पे आर्म लेंथ जिसका बड़ा था उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही होना चाहिए था। तो आर्म लेंथ बड़ा है जिसका, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ओरिएंटेशन कौन सा है? ऑप्शन वन दिख रहा है आपको? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो वही हो जाएगा। फिर उसने पूछा व्हाट विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम इन द अबव क्वेश्चन। अभी तो आराम से निकाल सकते हैं ये, देखो ये थर्ड वाले पार्ट के लिए हो गया है ना, क्योंकि ये तो ये ऑब्वियसली ये सेकंड एंड थर्ड के लिए मतलब 61 एंड 62 के लिए हो जाएगा। दिस विल बी 61 एंड 62, ये दोनों के लिए ये वाला पार्ट होगा। तो अब इसके लिए निकाल लेते हैं एक बार, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। सो नेट टॉर्क कितनी आएगी यहाँ पे? नेट टॉर्क हो जाएगी QE इनटू सॉरी फिर क्यू कैपिटल लिखा QE into 3L by 4 minus L by 4 into sin theta and इसको moment of inertia into alpha लिखेंगे and moment of inertia है आपके लिए कितना calculate किया था हमने? ML square by 16 into 10 ML square by 16 into 10 मतलब 5 by 8 ML square किया था। so इसको लिख लेते हैं 5 by 8 ML square into alpha and that will be QE into L by 2 sin theta. यहाँ से एक L कटा देते हैं, ये 2 4 से cancel out हो जाएगा and यहाँ से आपको alpha की value मिल गई है 4 by 5 times of QE divided by ML into sin theta and जब theta छोटी होती है तो उसको approximate करके क्या लिखते हैं? Approximately theta लिखते हैं ना, so 4 by 5 times of QE by ML and into theta लिखेंगे। देखो alpha proportional to theta आपने प्रूव कर दिया है और डायरेक्शन तो उल्टा है, ये तो ऑलरेडी फर्स्ट डायग्राम से दिख ही रहा है। देखो क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो डायरेक्शन तो उल्टा है ही, तो यहाँ से हमने establish कर लिया कि क्या है SHM है ना, और ये SHM एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं एंड ये आपका रूट अंडर 4 by 5 times of QE by ML आ जाएगा, ठीक है। तो ये ओमेगा मिल गया, हमें क्या निकालना था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वही तो निकालना है। तो 4 by 5 times of QE by ML ऑप्शन बन जाएगा। हां सर, समझ आई सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अ रिंग इन एक्स वाई प्लेन ऑफ रेडियस आर इज सेंटर्ड एट ओरिजिन, सेंटर्ड एट ओरिजिन the linear charge density on ring varies with angular position theta on rod as lambda is equal to lambda naught sin theta. फाइंड पहला नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम और दूसरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। देखो पहले डायग्राम ड्रॉ करो इसका, ये हमारा रिंग है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई है, ये हमारी एक्स एक्सिस
ये हमारी वाई एक्सिस एंड उसने थीटा के फंक्शन में आपको लैम्डा दे रखा है. एंगुलर पोजीशन मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वही ऑर्डर है ठीक है. तो यहाँ का चार्ज डेंसिटी उसने लैम्डा दे रखा है आपको. दिस लैम्डा इज गिवन एंड ये लैम्डा ही बेसिकली आपको लैम्डा नॉट साइन थीटा दे रखा है. साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है. हाँ सर राइट. तो जब तक साइन थीटा पॉजिटिव है तब तक चार्ज भी पॉजिटिव मिलेगा आपको मिलेगा राइट. एंड साइन थीटा फंक्शन का अगर आपको वैल्यूज याद हो या ग्राफ भी अगर याद हो, यहाँ साइन थीटा अगर लिख रहे हैं और यहाँ थीटा लिख रहे हैं तो आपको वैल्यूज याद है ऐसा कुछ ग्राफ है राइट. तो 180 डिग्री तक 180 डिग्री 90 डिग्री तक तो चार्ज बढ़ मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू है वो बढ़ेगी और साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है इसका मतलब चार्ज डेंसिटी भी बढ़ रहा है ना. हाँ सर. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो इधर मतलब जो नीचे वाला एंड है मतलब जो थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री वाला पोजीशन है वहां पे अगर चार्ज थोड़ा डेंसिटी में दिखाएं तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो डेंसिटी आपको चार्जेस की बढ़ानी पड़ेगी यानी पड़ेगी सर. आर यू गेटिंग द आइडिया? समझ आ रही है? देखो मैंने क्या दिखाने की कोशिश की, समझ आ रही है आपको? हाँ सर. ठीक है आप देखोगे अगर तो थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री की तरफ की डेंसिटी मैंने कम दिखाई है और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की तरफ डेंसिटी ज्यादा दिखाई है. एंड एग्जैक्टली इसका रेप्लिका सेकंड क्वाड्रेंट में भी होगा क्योंकि साइन थीटा की वैल्यूज तो सिमेट्रिकल है पाई बाय 2 के आसपास राइट. हाँ सर. देखो यहां ये सब चीजें मैं आपको एनालिटिकली समझा रहा हूँ. बुक्स में ये सब चीजें ऐसे नहीं लिखा होगा. बुक्स में सिंपली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट अलग निकाल के इंटीग्रेट करना सिखा देंगे बट आपको ये सब चीजें कभी नहीं सिखाएंगे. देखो मैं आपको एकदम सिमेट्रिकली ड्रॉ करके समझा रहा हूँ ठीक है. डू यू गेट दिस आइडिया? यार हाँ सर. और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली इसी का ही रेप्लिका बट नेगेटिव चार्जेस के साथ होगा. होगा ही नहीं? होगा सर. हाँ ठीक है. समझ आई है? तो इस डायग्राम को देख के आपको कम से कम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट तो पता चल ही गया. पता चला या नहीं पता चला? चला सर. हां वाई एक्सिस की तरफ दिख रहा है आपको? यस सर. यस सर. समझ आ रही है सभी को? समझ आ रही है सभी को? ठीक है. अब देखो अगर मैं इधर से थीटा पोजीशन पे गया और एंगुलर पोजीशन इधर पे भी डी थीटा चूज कर लो तो सेम तरीके से मैं इसके नीचे में जाके यहाँ पे भी एलिमेंट्स चूज कर सकता था सिमेट्रिकली तो मुझे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मिलता या नहीं? बस पोलैरिटी डिफरेंट होता बट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम मिलता या नहीं? सोच के बताओ. मिलता सर. हाँ ठीक है. तो इधर से भी थीटा गए और इधर से डी थीटा चूज किया तो मैं ये श्योर होकर कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे प्लस डी क्यू है तो यहाँ पे बेसिकली माइनस डी क्यू होगा. डिड यू अंडरस्टैंड? और इन चार्जेस के बीच की सेपरेशन कितनी है? देखो इधर साइन थीटा और इधर से भी साइन थीटा तो चार्जेस के बीच की सेपरेशन कितनी हो गई? 2r साइन थीटा दिख रही है आपको? यस सर. तो डाइपोल मोमेंट इस चार्ज सिस्टम का किस तरफ आया? ऊपर की तरफ. दिख रहा है आपको? और ऐसे जितना भी पेयर चूज करोगे सबका तो ऊपर आएगा ना? तो डीपी वेक्टर अगर लिखे डीपी वेक्टर तो उसको कैसे लिखोगे आप? डी क्यू चार्ज होगा मल्टीप्लाइड विद 2r साइन थीटा एंड डायरेक्शन किस तरफ है? J cap के अलावा. Did you understand? Yes sir. Yes sir. आपको अगर सोचो कि चार ऑप्शन ऐसे supposedly dipole moment निकालना है और चार ऑप्शन आपको दिख रहा है dipole moment का और एक ही ऑप्शन है जो positive y axis की तरफ है तो क्या आपको integrate करके value निकालने की जरूरत होती? नहीं होती sir. नहीं होती. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि options हमेशा एक बार visualize करना चाहिए कि options कैसे दे रखे हैं. अगर कोई भी vector quantity का direction के साथ values दे रखा है तो डायरेक्शन अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं एनालिटिकली पहले ही प्रेडिक्ट कर लो और आंसर मार्क करके आगे निकलो. एग्जैक्ट सॉल्व करने के लिए कौन बोल रहा है तुम्हें? ठीक है समझ आ रही है आपको? हां सर. अब डीक्यू की वैल्यू कैसे निकालें? डीक्यू की वैल्यू निकालने के लिए इस बार यूनिटरी मेथड नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये डेंसिटी वेरिएबल है. यूनिफॉर्म होता तब यूनिटरी मेथड यूज करते. यहाँ पे निकालने के लिए आपको चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है तो उससे आप उस लेंथ को मल्टीप्लाई करो जो डी थीटा लेंथ का आपने डी थीटा एंगुलर विड्थ का दिखा रखा है स्ट्रिप उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको मैं लिख रहा हूँ दिस इज चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा नॉट साइन थीटा एंड इसके साथ हमने उस लेंथ को मल्टीप्लाई किया तो ये आर इंटू डी थीटा हो जाएगा एंड इसके साथ फिर टू आर साइन थीटा तो है ही एंड फिर जे कैप आ जाएगा.
एंड अब इसी को इंटीग्रेट करोगे तो आपको नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा. सो नेट डाइपोल मोमेंट विल बी लैम्डा नॉट इनटू 2r स्क्वायर, लैम्डा नॉट इनटू 2r स्क्वायर, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड ये जे कैप की तरफ हो जाएगा. थीटा का लिमिट कहां से कहां डालना है एक बार बताओ मुझे, थीटा का लिमिट कहां से कहां डालना है? 0 से पाई. 0 से पाई भी कर सकते हैं, या फिर आप ये भी काम कर सकते थे 0 से पाई बाय 2 ले लेते और इसी का वैल्यू डबल कर देते. डबल कर देते, हां समझ आ रही है? ठीक है, वो भी कर सकते थे. तो मैं आपको जस्ट अलग-अलग तरीका बता रहा हूं. अगर आप 0 से पाई कर रहे हैं तो ठीक है, 0 से पाई बाय 2 कर रहे हैं तो जो भी वैल्यूज इंटीग्रेट करेंगे उसका डबल आंसर होगा, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से जो डाइपोल मोमेंट आने वाली है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट से भी वही डाइपोल मोमेंट आने वाली है. समझ आ रही है आपको? यस सर, यस. ठीक है, तो अभी इसको करें अभी. सो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं डायरेक्टली, 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट कर लेते हैं. ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का तरीका है, आप 2 को अंदर लेके चले जाओ. ठीक है, अभी 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया. साइन स्क्वायर का पावर बेसिकली आपको 1 करने का सोचना है, तो वो बेसिकली cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो cos 2 थीटा इज रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिखते हैं ना उसको. तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2 थीटा, तो इसको सब्स्टिट्यूट करो. सो दिस इज लैम्डा नॉट इनटू r स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस बिकम्स 1 माइनस ऑफ cos ऑफ 2 थीटा, एंड इसके साथ फिर d थीटा मल्टीप्लाई करें, j कैप लें, 0 से लेके पाई तक कर लें. गॉट इट? यस सर. ठीक है, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स लैम्डा नॉट इनटू आर स्क्वायर एंड 1 डी थीटा, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, इसका लिमिट पाई डाल दिया हमने, एंड माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, एंड इसकी लिमिट आप बिठाओगे 0 से लेके पाई. अगर आप देखोगे तो ये वाला इंटीग्रेशन तो पक्का है 0 ही आएगा, आएगा ना, क्योंकि साइन ऑफ 2 पाई और साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ 2 पाई और साइन ऑफ 0, वो तो 0 ही होता है. तो ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी आपकी 0 ही हो गई है. तो कितने ये जे कैप की तरफ, सो दिस बिकम्स लैम्डा नॉट इनटू आर स्क्वायर इनटू पाई, ये जे कैप क्या है. डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. ठीक है, सपोजली ये लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट साइन थीटा नहीं देके लैम्डा नॉट कॉस थीटा दिया होता, तो क्या होता सर? तो फिर क्वाड्रेंट्स फर्स्ट और फोर्थ होता पॉजिटिव चार्ज और सेकंड और थर्ड होता नेगेटिव चार्ज. मतलब यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव, यही होता ना? यही होता, और नेट जो होता वो डायरेक्शन आपका चेंज हो जाता है. डायरेक्शन किस तरफ हो जाता है? एक्स एक्सिस की तरफ. हां सर, यस. समझ आ रही है आपको? तो जो आपको एलिमेंट्स चूज करने पड़ते हैं वो एलिमेंट्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल एक राइट और एक लेफ्ट चूज करना पड़ता है ना, ये जो मैंने इसमें x एक्सिस के सिमेट्रिकल ऊपर और नीचे चूज किया है, तो उस वक्त आपको एलिमेंट किधर चूज करना पड़ता है? y एक्सिस के राइट की तरफ एंड y एक्सिस के लेफ्ट की तरफ, दो सिमेट्रिकल एलिमेंट चूज करते हैं. ठीक है? हाँ सर. ठीक है, चलो चलो, हमने ये तो डायपोल मोमेंट निकाल लिया. अब उसने पूछा हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए. आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या, बताइए मुझे? इस डायग्राम को देख के बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगी? सेंटर पे. सेंटर पे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा था, तो किस तरफ आएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ. गुड, नीचे की तरफ आएगी. समझ आ रही है सबको? नीचे की तरफ आएगी. हाँ सर. ठीक है, कैसे आएगी? जैसे इस सोचो, वो जो डीक्यू चार्ज हमने दिखा रखा है, वो डीक्यू चार्ज की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उस डीक्यू चार्ज का जो फील्ड होगा इसको डीई कह लेते हैं. ठीक है, ये डीई लिखा है मैंने, तो ऑब्वियसली इधर से भी थीटा होगा, और इधर माइनस डीक्यू का जो चार्ज दिखा रखा है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई होगा. होगा या नहीं? और ये डायरेक्शन में किस तरफ है? नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ डीई इनटू साइन थीटा. साइन थीटा ही था ना? साइन थीटा होगा, कॉस थीटा क्यों लिखा है? साइन थीटा होगा ना? ओ हाँ हाँ, साइन थीटा. ठीक है, साइन थीटा आएगा. सो ट्वाइस ऑफ डी साइन थीटा, एंड डायरेक्शन आपका नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है. अब डी की वैल्यू को बस सब्स्टिट्यूट करेंगे. डी बेसिकली एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करें, जो एलिमेंटल चार्ज, जो पॉइंट चार्ज है जो रिंग के सर्कमफेरेंस में, डी क्यू वाला, उसकी वजह से फील्ड लिखनी है. तो के क्यू बाय आर स्क्वायर यूज कर लेंगे. तो इसको लिखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर,
एंड इनटू साइन थीटा लिखेंगे. इसको नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2k डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन में dq की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. सो दिस इज लैम्डा नॉट इनटू साइन थीटा एंड इसके साथ फिर r इनटू d थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, dq मिल गया एंड फिर एक और साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे. सही है ना? और थीटा की लिमिट कहां से कहां तक? वही वापस से 0 से 5 सेम. हां ठीक है, तो ये हो गया आपकी 2k इनटू लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय r, 2k इनटू लैम्डा नॉट डिवाइड बाय r एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा. फिर से आ गई है, तो ये 2 को इधर ही लिख लो, ये 2 को इधर रखो एंड यहां से 0 से लेके पाई तक कर लो. ठीक है ना? 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या आया था? पाई आया था ना? आया था नहीं आया था? पाई पाई दिख रही है आपको? आया. तो वो पाई को सब्स्टिट्यूट कर दो फिर से यहां से. ठीक है, तो इसको पाई लिख लेते हैं. सो दिस विल बी k लैम्डा नॉट इनटू पाई डिवाइडेड बाय r एंड डायरेक्शन किस तरफ था? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ था? माइनस जे का. तो माइनस जे का माइनस जे लगा लो. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? सर यस सर. हां बोलिए बेटा. सर एक बार डायग्राम दिखाइए. देखिए. हां सर, यहां पे तो डायरेक्शन सब ये लेके आपने कैलकुलेट किया है, ये कैसे किया है ये ठीक समझ में नहीं है. डायरेक्शन कैसे लिया ये नहीं समझ आया. नहीं सर, डायरेक्शन तो समझ में आ रहा है कि नीचे ही होना चाहिए. पर सर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है. आपने जो डी दिखाया है वो तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए है, मतलब नेगेटिव चार्ज का भी तो डी दिखाया है. कैसे सर? दो दो डी तो दिखाया. अरे चार्ज अगर सेम है मैग्नीट्यूड में, डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जाएगा क्या मैग्नीट्यूड में? नहीं सर, ऐड अप हो जाएंगे, मतलब प्लस और माइनस. आहा, मैं बोल रहा हूँ कि dq चार्ज प्लस dq जितना है माइनस dq का डिफरेंट है या सेम है मैग्नीट्यूड में? सेम है. तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी चार्ज का सेंटर से सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डिफरेंट होगा क्या? मतलब एक डी वन लिखू एक डी टू लिखू? नहीं सर. तो फिर सर, तो फिर यहाँ पे जो डी लिखा है ये किसका है? यार हद है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड यहाँ से इस तरफ दिखा रहे हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इस चार्ज का फील्ड इधर दिखा रहे हैं. अब क्या पूछ रहे हो तुम कि किस तरफ किसका फील्ड है, और क्या बताऊं तुम्हें? अच्छा अच्छा, हाँ सर, ऊपर का dq और नीचे का dq. बोल तो रहा हूँ ये dq का फील्ड डी है. कितनी, तुम क्या सो रहे हो क्या क्लास में? ठीक है सर. ठीक है, चलो आज के लिए क्लास क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास बंद करते हैं आज के लिए. अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग हैज टोटल चार्ज क्यू. अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग हैज टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस आर. Radius r. A point charge is now placed at center of the ring of value q naught. Find the increase in tension in ring. Tension कितना increase करेगा ये आपको find out करना है. पहले situation दिखाएं. ये charged rod है, ring है, इसमें पहले से ही charges हैं. तो आपस में जो field का interaction है उसकी वजह से तो रिपल्सिव फोर्सेस में ये स्ट्रिंग मतलब यू नो तना हुआ तो होगा ना. तना हुआ मतलब बेसिकली जैसे आप किसी की चीज को स्ट्रेच करके रखते हैं, तो इसमें रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से ये तना हुआ तो होगा ना. समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं? होगा होगा, हाँ सर. ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से.
तो इस केस में ऑलरेडी इसमें कुछ ना कुछ तो टेंशन रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ऑलरेडी कुछ ना कुछ टेंशन है, तो वो टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है, इनका आपस का इंटरेक्शन का जो फील्ड है वही बैलेंस कर ले रहा है, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं हमने यहाँ पे दिखा रखा है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन अगर कंसिडर करता है, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन मान लो कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे ये एंगल मान लेते हैं डी थीटा का है, बहुत ही छोटा एंगल है, दिस थीटा इज वेरी स्मॉल हो गया, मान लो ये एंगल बहुत छोटा है, दिस थीटा इज वेरी स्मॉल। तो इस केस में यहाँ पे एक एलिमेंट पे जो यू नो इस छोटा सा एलिमेंट का अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये छोटा सा जो एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है इसका डायग्राम अगर आप ड्रॉ करते तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप क्या दिखाते हैं, फोर्सेस दिखाते हैं उसके ऊपर, तो इधर से एक टेंशन का फोर्स आता टी, इधर से भी एक टेंशन का फोर्स आता टी, और बाकी सारे चार्जेस का जो फोर्स होता उस एलिमेंट पे, जैसे इसको थोड़ा सा नहीं, तो बाकी सारे चार्जेस का जो फोर्स होता है इस एलिमेंट पे वो किस तरफ होता, बाहर की तरफ होता, और ये बाहर की तरफ जो फोर्स आता दैट वुड हैव बीन इसमें चार्ज, अगर मान लो q है, स्मॉल q मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल q इस छोटे से पार्ट में चार्ज है, तो q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ये r लिख रहा है, मतलब रिमेनिंग पोर्शन e r e m लिख लेते हैं, समझ आ रही है आपको? हाँ सर, ठीक है, हमें ये सब निकालना नहीं है, हमें क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग पोर्शन के लिए निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेट करना तो इसलिए इसको इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, हम ये वाला पार्ट हमारा काम का नहीं है, हमारा सेकंड पार्ट जो है वो काम का है। अब उसने क्या किया, इसमें बोला है कि इसमें बस आप ये सोचो कि इसके सेंटर पे हमने एक पॉइंट चार्ज और रख दिया, रिप्लिकेट यहाँ बना लेते हैं, अब उसने यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया जिसको वो क्यू नॉट कह रहे हैं, यहाँ पे क्यू नॉट है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट चार्ज जो मतलब जो क्यू का दिखा रखा है, स्मॉल क्यू का दिखा रखा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई नहीं बढ़ गई है? बढ़ गई, वो डेल्टा ई लिख लेते हैं, जितने से बढ़ा है वो डेल्टा ई लिख लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब चेंज हुआ, तो जितने से चेंज हुआ वो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, तो वो एक्स्ट्रा फोर्स आने से अब टेंशन भी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हाँ। तो इसको टी डैश लिखेंगे, और ये टी डैश को हम क्या लिखेंगे, टी प्लस डेल्टा टी, पहले से एक था वो उसका एक्स्ट्रा गया, तो ये जो क्यू इंटू ई रिमेनिंग है वो तो टी को टी का जो दोनों तरफ का फोर्स है उसको बैलेंस करेगा, नहीं करेगा, वो तो पहले ही बैलेंस था, समझ आ रही है हाँ सर, जो दोनों टी था वो तो क्यू इंटू ई रिमेनिंग से तो पहले ही बैलेंस था, तो अभी भी बैलेंस रहेगा, तो जो एक्स्ट्रा फील्ड हुआ है उसी की वजह से जो एक्स्ट्रा टेंशन जनरेट हो रहा है उसी का तो सोचना है ना आपको, डू अंडरस्टैंड दैट? यस सर, ठीक है, अब उस एलिमेंट के लिए अब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, अब काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसे कैलकुलेशंस आपने पहले भी किए हैं, आपको याद है ये सब हमने सोफ फिल्म में जब हमने एक थ्रेड फेंका था तो उसमें टेंशन निकालने के लिए किया था, याद है आपको? हां हां, सोफ फिल्म, फिर एक सर्कुलर लूप, फिर एक सर्कुलर लूप को घुमा के उसमें भी यू नो टेंशन कैलकुलेट किया था, याद है? हाँ सर, किया था, ये सब काम हमने पहले कर रखा है, तो इसलिए ये मुश्किल काम नहीं है। अब ये जस्ट एग्जैजरेटेड व्यू आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट यू नो डायग्राम ड्रॉ करने में कन्वीनियंस होगा, इसलिए यहाँ पे ये थीटा है, दिस थीटा इज स्मॉल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, थीटा स्मॉल है, यहाँ पे हमने चार्ज क्यू दिखा रखा था, मतलब इतना बड़ा स्ट्रिप आपको दिख रहा है एग्जैजरेट करने पे, बट एक्चुअली ये स्ट्रिप बहुत छोटा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। इधर से हमारा एक्स्ट्रा टेंशन जो आ रहा है इसको हमने डेल्टा टी लिखा है, इंक्रीज इन टेंशन उसने निकालने के लिए बोला था, तो वही इंक्रीज हम निकालने में इंटरेस्टेड है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो डेल्टा टी, और यहाँ पे जो इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है दैट इज क्यू मल्टीप्लाइड विद डेल्टा ई, यही तो है ना, है? हाँ 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 सर, ओके, इधर से ये एंगल थीटा बाई टू और इधर से भी थीटा बाई टू, तो इधर से देखोगे तो ये एंगल भी थीटा बाई टू और ये एंगल भी थीटा बाई टू, तो टेंशन का जो कॉम्पोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में दैट इज डेल्टा टी इंटू साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू, एंड इधर से भी आपका वही कॉम्पोनेंट है डेल्टा टी इंटू साइन थीटा बाई टू, तो अगर आप देखोगे तो नीचे का जो दोनों टेंशन का कॉम्पोनेंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ को बैलेंस कर रहा है, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी इंटू साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा ई, अब ये साइन थीटा तो छोटा है बहुत, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट करके ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल्टा टी ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी इंटू थीटा बाई टू लिख सकते हैं, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली भी चार्ज क्यू उसमें कितना है, उसका टोटल चार्ज क्यू दिया था एंड एंगल टू पाई में डिस्ट्रीब्यूटेड था, एंड यहाँ पे हमने थीटा एंगल चूज किया, तो ये क्यू का हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज किया हमने,
सेंटर पे हमने क्या रखा था, वहां पे एक चार्ज क्यू नॉट रखा था, तो उस क्यू नॉट चार्ज का फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना होगा, के इनटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगा ना, समझ गए? यहाँ से थीटा कैंसिल आउट हो गई, यहाँ से ए टू कैंसिल आउट हो गया, और देखो आपको चेंज इन टेंशन मिल गया. सो चेंज इन टेंशन इज के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू आर स्क्वायर. क्लियर है? यस सर. ठीक है.